कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है भैया सुपर कोचिंग टाइटन पीआईटी भाई टेस्ट बुक चैनल पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। बस इतना ही इंट्रोडक्शन आज का रहेगा और बस इतना कह सकता हूं कि अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो मेरा आपसे वादा है कि जो हमारा सपना था एसएसटी में 50+ नंबर लाने का, वो आज निश्चित तौर पे पूरा होगा। तो आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। और आज सिस्टम हैंग कर देना है पूरी तरीके से, एकदम भयंकर तरीके से क्लास जो आज हमारी चलने वाली है, ठीक है। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे, और बस सबसे पहले मैं आपको यहां पर आपकी पीपीटी दिखा दे रहा हूं कि जिस पीपीटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसके अंतर्गत इतने सारे चैप्टर हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रख लीजिएगा। इसको डिस्कस करेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी में, जहां 10 चैप्टर तो हैं आपकी पुरानी एनसीईआरटी के अंतर्गत और जहां आपके 8 चैप्टर हैं आपकी नई एनसीईआरटी के अंतर्गत, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 के उन बचे हुए चैप्टर्स को जो हमारी रेगुलर क्लास से बच गए हैं 4 चैप्टर। तो ये तो रहा आज का सिस्टम कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्टार्ट करेंगे फटाफट से कक्षा 7 की एनसीईआरटी से बेहतरीन कंटेंट। आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट में एसएसटी बाई अनुपम सर जरूर लिख दो, एसएसटी बाई अनुपम सर एक बार कमेंट में लिख दो, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा आज भाई। एकदम से लाजवाब तरीके से शुरुआत करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी लोग एकदम। और हाँ, फिर से कह रहा हूं, लास्ट तक बने रहना क्योंकि यह क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, यह क्लास केवल लाइव मिलेगी। फिर मुझसे मत कहना बाद में कि अनुपम सर इस क्लास को रिकॉर्डेड दे दो, रिकॉर्डेड दे दो। यह क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, यह क्लास केवल लाइव चलेगी, ठीक है। चलो, हम जब भी कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो मानचित्र हमको देखने को मिलते हैं, याद रख लीजिएगा। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक ये वाला मानचित्र है, एक भारतीय उपमहाद्वीप का ये वाला मानचित्र जो हमको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे समझने की कोशिश सबसे पहले आप करना है ना, समझने की कोशिश सबसे पहले आप यहाँ पे करना, यहां से शुरुआत करेंगे फिर इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप जरा इस पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था, मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए शब्द प्रयोग करते थे, या उपरोक्त में से कौन सा है? आज आपके लिए शब्द है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द का मतलब होता है भैया कि आज आप यहाँ पे भारत के रहने वाले हो, तो आपके लिए जो अमेरिका का व्यक्ति रहने वाला है, आपके लिए सऊदी अरब का जो व्यक्ति रहने वाला है, या किसी भी अन्य देश का रहने वाला है, वो आपके लिए विदेशी है, याद रख लीजिएगा। लेकिन पुराने समय में गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान है, वो उसको क्या कहते थे भैया? विदेशी कहते थे। एक हरियाणा का गाना सुना है ना, पानी आली पानी पिला दे, वो वाला गाना सुना है ना, तो उसमें वो क्या कहती है? मैं कोड़ी पिलाती तने पानी, पता नहीं कौन परदेसी लागे। तो परदेसी लागे मतलब अनजान व्यक्ति को क्या कहते थे? वो परदेसी कहते थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। एक कई गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए शब्द प्रयोग करते थे, गलत कह रहा था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा भैया? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से, मैं अपने अपूर्व सर का धन्यवाद दूंगा। आप पोल्स दे रहे हैं सर, थैंक यू, शुक्रिया। सभी बच्चे पोल्स का यूज करेंगे, अपूर्व सर की तरफ से पोल्स की सुविधा दी जा रही है भाई, आप सभी लोग उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। चलिए दूसरे एक बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत निम्नलिखित में से कौन से
समूह वर्ग इसमें शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि राजपूत के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता था। राजपूत के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता था, सामंत को, सेनापति को, सैनिक को, या किस किस को शामिल किया जाता था, याद रख लीजिएगा। तो मध्यकाल में अगर हम आपसे बात करेंगे तो तीनों ही व्यक्ति राजपूत में आते थे, सामंत, सेनापति और सैनिक। सामंत, सेनापति और सैनिक तीनों को क्या कहते थे भैया, हम राजपूत कहते थे। क्या कहते थे इनको, इनको हम क्या कहते थे भैया, इनको हम राजपूत कहते थे। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, यहां से समझते हैं। राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अथवा राजा का पुत्र से निकला है, तो राजपूत शब्द कहां से निकला है, राजपूत शब्द निकला है राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, जो कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, महाराणा प्रताप से हैं, वहां पे वो राजपूत शब्द का प्रयोग करते थे। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। तो कौन कौन आते थे भैया, राजा भी आते थे, सामंत भी आते थे, इसके अंतर्गत सेनापति भी आते थे, इसके अंतर्गत सैनिक भी आते थे, लेकिन कौन लोग, जो अपने आप को क्षत्रिय समझते थे, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात समझना, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता और प्रबल पराक्रम स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। चारण और भाट सुने होंगे राजस्थान में, वो गुणगान करते थे अपने शासकों का, इस बात को समझने की कोशिश यहां पर करना। बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो तभी ये सवाल आपसे यहां पर कह रहा है कि मध्यकाल के अंतर्गत एक नया वर्ग हुआ राजपूत, उसके अंदर कौन थे, सामंत और सेनापति नहीं, सैनिक और राजा भी राजपूतों के अंतर्गत काम होते थे। तो अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरे प्रश्न, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता था, मेरे प्यारे साथियों बस इतना कहना चाहूंगा, लाइक करके एक बार टाइम निकाल के शेयर कर दो, एक बार इसका टाइम निकाल के क्या कर दो भैया, शेयर कर दो भैया इस सेशन को। और आज ये 2000 प्लस वॉचिंग बैठ जानी चाहिए, आज इस क्लास में 2000 प्लस वॉचिंग होनी चाहिए। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे और सेशन को क्या करेंगे भैया, लाइक करेंगे, आज सिस्टम हैंग कर देंगे भैया, है ना। चलो बहुत बढ़िया, तो कह रहा है भैया कि मध्यकाल में रहट शब्द का प्रयोग के लिए होता था, सिंचाई के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, या मिट्टी का सामान बनाने के लिए, या मिट्टी का सामान बनाने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिंचाई के लिए रहट शब्द का प्रयोग होता था। अब आप तो नई उम्र के आजकल के हैं भाई साहब, कुछ प्राचीन भी होंगे, ठीक है, तो वो क्या सोच रहे भैया, रहट वो नहीं जानते होंगे। तो रहट आज जो हम समर सेवल से पानी चलाते हैं, पहले उसके लिए रहट चलाई जाती थी। मैं दिखा देता हूं, समझना कि रहट कहां पर चलाई जाती थी। ये देखो, ये आप जो देख रहे हैं, ये चरखा ऐसे चलता था और इसमें पशुओं को बांध देते थे और तब कुएं से पानी निकाला जाता था इस तरीके से, इसमें द्वारा। तो ये रहट चलती थी, पानी कुएं से निकाला जाता था, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। कैसे, सन 700 से 1750 के बीच हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए, बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए, याद रख लीजिएगा। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते रहे, समय के बदलते नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे सिंचाई में रहट, किसमें भैया, सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, चरखा चलाया ना बापू वाला, सिंचाई में रहट,
कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र जो बारूद वाले हथियार थे, देखा था ना उसमें कटप्पा वाली मूवी में जो दूर से पत्थर फेंकता है वही वाला आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल होता था। इस बात को याद रख लीजिएगा, इनका इस्तेमाल यहां पर होता था। तो सिंचाई में रहट का प्रयोग होता था, कताई में चरखे का प्रयोग होता था, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग होता था। अब एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं अभिलेखागार। क्या होता है अभी यार समझेंगे, अभिलेखागार क्या होता है समझना ध्यान से, समझना ध्यान से कि अभिलेखागार क्या होता है इसको थोड़ा सा हम यहां पे समझेंगे, इसको थोड़ा सा हम यहां पे समझेंगे अभिलेखागार को। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पांडुलिपि के बारे में जानते हो, जानते हो पांडुलिपि के बारे में जानते हो, मैंने आपको पांडुलिपि के बारे में पहले पढ़ा चुका हूं। तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं अभिलेखागार होते हैं। इस तरीके से बना होता है, एक प्रकार से लाइब्रेरी समझो, जैसे हमारे पास हमारी लाइब्रेरी बनी हुई है, देखो इतनी सारी अलग अलग तरह की किताबें, इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी किताबें अब मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में रखी है। मेरे पास ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके लिए देखो मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में जैसे किताब रखी है, आज की जो क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं जैसे कक्षा 8 की एनसीईआरटी में का मैंने कंटेंट लिया है, कक्षा 7 की एनसीईआरटी से लिया है, कक्षा 6 की एनसीईआरटी से लिया है, तो ये मेरी अलमारी क्या है, मेरे लिए क्या भी है, ये अभिलेखागार है एक प्रकार से, जहां पर मैंने सारी चीजों को रखा हुआ है, जहां पर मैंने सारी चीजों को क्या किया हुआ रखा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अभिलेखागार हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। चौथे सवाल का जवाब दो, निम्न कथनों पर विचार करिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से कह रहा हूं, 912 बच्चे देख रहे हो भैया, फिर से कह रहा हूं, फिर मत देखो मुझसे, मैसेज मत करना। मेरी टीम ने मुझको बोल रखा है कि सर अपने स्टूडेंट को बोल दीजिए यह क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, यह क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, लाइव इस क्लास को पढ़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि इस क्लास में हमने डायरेक्ट बहुत सारे स्क्रीनशॉट इन एनसीईआरटी किताबों से उठा लिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट। कभी कभी क्लास में कॉपीराइट का केस आ जाता है, इसलिए भैया हम इस क्लास को रिकॉर्डेड हटा देंगे बाद में, इसलिए कह रहा हूं लाइव लास्ट तक देखते रहना और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करेंगे, कह रहा है मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। कौन सा कथन सत्य है इनमें से, कौन सा कथन इनमें से सत्य है बताओ भैया। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अविभाजित भारत के लिए नहीं किया था। पूरी कहानी को यहां पर अब एक बार समझते हैं, क्वेश्चन और उसकी थ्योरी, क्या क्वेश्चन और उसकी थ्योरी को हम यहां पे समझेंगे एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन और उसकी थ्योरी को ढंग से पढ़ेंगे एकदम तंगड़े तरीके से। ठीक है, हाँ यहां पे समझेंगे। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान किसको कहते हैं, भारत को आज हम हिंदुस्तान कहते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। कौन से इलाकों से था, पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के बीच में स्थित इलाकों से इसका संबंध था। किसका, मिन्हाज उस सिराज का, याद रख लीजिएगा, कहां का था, फारस का इतिहासकार था। अरे बोल काहे नहीं रविया, प्रिया मोरे करी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रिया आज लास्ट तक बने रहना, इतना बढ़िया कंटेंट देने वाला हूं, बहुत तंगड़ा। तो मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया भैया, तो ये किया पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना के इलाके के बीच में किया। हम हिंदुस्तान का उपयोग पूरे उसके लिए करते, याद रख लीजिएगा।
16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था, इस बात को याद रख लीजिएगा। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते, इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। भाई पुराने समय में क्या बात है भैया, जेब बात भाई साहब, बहुत बढ़िया मजा कर दिया भाई साहब, 1000 वॉचिंग साहब, सिस्टम गजब, मौज कर दी भाई साहब, आज आप सभी ने मौज कर दी भाई साहब, जिस चीज के लिए भाई साहब था ये बात, आज मजा आ गया मेरे प्यारे साथियों, आज आपने ये बात कह दी कि हाँ अनुपम सर ये बात आज आपने कर दिया भाई साहब, है ना भैया, ये बात आज आपने यहां पर कर दिया, मजा भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है ना, ये बात सभी लोगों ने ना, ठीक है भैया, समझ में आगे कि नहीं आगे, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बात करेंगे, आगे समझेंगे, यहां पे आगे इस बात को समझेंगे, ठीक है भैया, चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे साथियों, आगे चलेंगे, याद रख लीजिएगा, और ऊर्जा से हम लोग पढ़ेंगे, अब और ऊर्जा से पढ़ेंगे, याद रखना, उदाहरण के तौर पे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। अरे तो ओ विदेशियों, अरे आप ही से कह रहा हूं विदेशियों, जरा समझ लो विदेशी किसको कहते हैं। जैसे राजेश ठाकुर कमेंट कर रहा है ये मेरे लिए विदेशी हो गया क्योंकि ये बिहार से है, भैया कहां से, बिहार से, लेकिन आज नहीं पुराने जमाने में लोकेश भारद्वाज सर हमारे साथ में आ चुके, आग लगा दी आग, बहुत बढ़िया, नमस्कार लोकेश सर, स्वागत है भाई, पूरी कमेंट बॉक्स भर जानी चाहिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग के नाम से, लोकेश सर का स्वागत करिए एकदम भयंकर, सभी लोग गुड इवनिंग से पूरी कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, लोकेश सर आदरणीय लोकेश सर हमारे बीच में आ चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलेंगे भैया, ठीक है ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, अब आगे आ जाते हैं, ये है भैया हमारा क्या अभिलेखागार, इस अभिलेखागार से प्रश्न पेपर में पूछा गया है, इस अभिलेखागार से, बोलो क्लियर भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो भैया बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलो जी आगे चलेंगे, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन समझ में आ गया ना, यह क्वेश्चन था कि भैया मिन्हाज और सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, अतः इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक अगला बड़ा ही शानदार प्रश्न सीटेट में आने लायक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, याद रख लीजिएगा, सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नस्तलिक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है जबकि शिकस्त लिपि बाई से दाई ओर, नया कंटेंट है, बिल्कुल बिल्कुल नया कंटेंट है भैया, ठीक है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य, हर्ट साइन फॉर लोकेशन, हाँ यार ये बात है एकदम दिल का सा कमेंट होना चाहिए, देखो मैं खुद अपनी स्क्रीन पर जाकर के एक बार लिख दे रहा हूं सर के लिए, आप सभी भी एक बार पूरी स्क्रीन को यार हर्ट साइन से भर दो एकदम से, अजी कहां से आता है हर्ट साइन, लो भाई यार मुझे ना मिल रहा, ठीक है मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगे चलेंगे याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि सातवीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, तो कमेंट करके बताओ सामंत कौन होता है, सामंत का दूसरा नाम क्या है, सामंत का दूसरा नाम है मातहत, सामंत का दूसरा नाम क्या है भैया, मातहत जो है वो सामंत का दूसरा नाम हो जाएगा, सामंत का दूसरा नाम क्या है, तो सामंत का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मातहत कौन था, जो छोटा ताकतवर व्यक्ति था, जो छोटा ताकतवर व्यक्ति था उसको मातहत या उसको सामंत कहते थे।
उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। जैसे कोई एक बड़ा साम्राज्य है, इस बड़ा साम्राज्य का जो राजा है उसको कहा जाता था महाराजा कहा जाता था। छोटे छोटे सामंत होते थे, छोटे छोटे ऐसे सामंत होते थे, इनको कभी कभी सामंत भी कहा गया है, इनको कभी कभी मातहत भी कहा गया है, या कई जगह सामंतों के लिए राजा शब्द का भी प्रयोग किया गया है, कई जगह सामंतों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन याद रखना, राजा शब्द का प्रयोग वहां पर किया गया है जहां पर ऊपर का व्यक्ति क्या कहलाएगा, महाराजा कहलाएगा, याद रख लीजिएगा। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी कहते थे। तो सामंत को कभी कभी क्या कहा गया है, महासामंत कहा गया, याद रख लीजिएगा। इसी को कहा क्या गया है, महामंडलेश्वर कहा गया। क्या कहा गया है, महामंडलेश्वर कहा गया। अभी एक मूवी आई थी भैया जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान में जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया है, उस पृथ्वीराज चौहान में जो उसको दिखाया गया हर 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 पृथ्वीराज जो गाना चलता है, उसके पीछे जो लोग घोड़े पर चलते हैं, जो उसके साथ युद्ध करने की कसम खाते हैं, वही कौन है भैया, सामंत। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज और फेंक जहां तक भाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, बंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। प्यारे साथियों, लाइक करते रहिए, 1000+ लाइक हो जानी चाहिए। ये आपके भाई का वादा है कि आपके SST में 50+ नंबर आएंगे ही आएंगे भैया। सभी लोग, मेरी रेगुलर क्लास चलती है रोज शाम 4 बजे। कितने बजे? रोज शाम 4 बजे। और इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो SST बाई अनुपम सर के नाम से। किसके नाम से? SST बाई अनुपम सर के नाम से। चलो जी, इत्यादि घोषित करते थे, कभी कभी अपने स्वामियों के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। आपको लग रहा पता नहीं अनुपम सर क्या थ्योरी पढ़ने लगे। अनुपम सर के लाइक तो बनता है, थैंक यू लोकेश सर। भाई कह रहा है देखो यहाँ पे कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों के लिए बनता है। आपको लग रहा हो सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं। भैया ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि राष्ट्रकूट जो थे वो शुरुआत में किनके सामंत थे या किनके अधीनस्थ थे, तो याद रख लीजिएगा कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। किसके थे? कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे, कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे भैया, कौन थे भैया? कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अंडर में थे कौन भैया? राष्ट्रकूट। कौन भैया? राष्ट्रकूट। मैथ्स में हिमांशु गुप्ता सर कह रहे हैं गदर मचा रखा है अनुपम सर ने। थैंक यू हिमांशु सर, थैंक यू भैया। हिमांशु सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम से आज की क्लास में तो। लेकिन यार मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक देखो रिक्वेस्ट कर सकता हूं अपनी टीम से, लोकेश सर से, और सर से रिक्वेस्ट करके भाई हम लोग कह देंगे तो आपको हो सकता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिले। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टेंशन है भाई, तो इसलिए कह रहा हूं लाइव देखते रहो, एक बार शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त इसको लाइव देखते रहे, क्योंकि ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे पब्लिक नहीं कर सकते, समस्या को समझो यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर भी मैं इस भाई इसको देख लेते हैं, मैं सर से एक बार बात करूंगा अगर इसके बारे में हम कुछ भी कर सकते हैं तो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। तो राष्ट्रकूट कौन थे? कर्नाटक में चालुक्यों के अधीन थे। प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया। किसने? दंती दुर्ग ने। तो दंती दुर्ग कौन है? दंती दुर्ग एक राष्ट्रकूट शासक है, उसने अपने स्वामी अर्थात चालुक्य राजाओं की अधीनता को उन्होंने मना कर दिया और उनको हराया। फिर उसने एक हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया। पेपर में पूछा जाता है हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किसके द्वारा किया गया है, तो हिरण्य गर्भ नामक जो अनुष्ठान है वो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया है। अनुपम सर क्या है हिरण्य गर्भ यज्ञ? तो हिरण्य गर्भ यज्ञ का अर्थ है सोने का गर्भ, अर्थात जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक, याजक यानी जो करवा रहा है, जन्मना जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा
क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जन्मना क्षत्रिय न हो तो वो क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? वो क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझने की कोशिश कर लीजिएगा। बोलो क्लियर क्लियर भैया, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस बात को याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। पारुल करिए, रिकॉर्डेड क्लास भी दे देना भाई, देखो देखने की कोशिश करेंगे। वैसे मुश्किल है, मैं एक बार लोकेशर से पूछ लेता हूं। लोकेशर करें ऐसा कंटेंट ना भूतो न भविष्य, थैंक यू सर। लोकेशर देखो बहुत मुश्किल है, वैसे भाई लोकेशर अगर आपको कुछ सॉल्यूशन बता सकते हैं तो पूछ लो, वरना बहुत मुश्किल है। रिकॉर्डेड क्लास बहुत मुश्किल से मिलेगी भाई, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं, सर जवाब दे देंगे आपको। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, मिसाल के तौर पर कदंब राजवंश, कदंब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण। देखो समझना, कदंब का एक शासक है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? मयूर शर्मण। क्या नाम है? मयूर शर्मण है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों। उस मयूर शर्मण ने, भाई गर्मी लगने लगी जोर जोर से चीखने में, है ना, तो मयूर शर्मण ने और गुर्जर प्रतिहार नामक हरिचंद ब्राह्मण ने भी अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए। यानी हिरण्यगर्भ यज्ञ किस किसने करवाया? एक तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने करवाया, कदंब शासक मयूर शर्मण ने करवाया और गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण हरिचंद के द्वारा करवाया गया, याद रख लीजिएगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। किस काल की कृति है भैया? राष्ट्रकूट काल की कृति है। कौन सी? देखो ये रहा, ये राष्ट्रकूट काल की कृति, ये वाली जो है वो राष्ट्रकूट काल में बनवाई गई थी, जिसमें विष्णु को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया। बात क्लियर है? चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा या त्रिभुवन चक्रवर्ती ने तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। भाई उपाधियां तो पहले ये लोग धारण करते थे ना, उपाधियां तो लोग धारण करते थे, कौन कौन सी उपाधि धारण किए? त्रिभुवन चक्रवर्ती ने तीन भुवनों का स्वामी, महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि धारण की है। इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान व्यापारी ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। लिख करके दे रहा हूं भाई साहब, याद रखना एक एक क्वेश्चन इसमें से पढ़ाएगा, क्वेश्चन इस वाली फाइल से आएगा ही आएगा, याद रखना क्वेश्चन इस वाली फाइल से आएगा ही आएगा, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, आज सेक्शन को देख के मजा आ गया, देखते जाए एकदम सिस्टम हिल जाएगा भैया। चलो आगे बात करेंगे, उसके बाद आगे समझने की कोशिश करना 400 प्रकार के कर। हाँ बेटा ठीक है, 400 प्रकार के कर जो इस समय पे लगते थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। टैक्स के बारे में किसमें जिक्र किया गया है? टैक्स के बारे में जिक्र किया गया चोल वंश के अभिलेखों में जिक्र किया गया है। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो लिख लो वेट्टी शब्द किसके लिए लिया गया है? जबरन श्रम यानी जबरदस्ती काम करवाने के लिए जो भैया और टैक्स लिया जाता है वो वेट्टी है, याद रख लीजिएगा। और कदमाई यानी कि भू राजस्व होता था, भूमि पर जो राजस्व होता था, वेट्टी की जगह एक और होता था कदमाई, कौन सा होता था याद रखना, सीटेट में पूछा जाता है सारी चीजें, कदमाई होते थे। मकान पर छाजन डालने पर भी लगाने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि, ससुर सब चीज पे कर लगा दो, मतलब समझ रहे हो, सीढ़ी चढ़ेगा तो कर, मकान पर छत डालेगा तो कर, काम नहीं करेगा तो कर, काम करेगा तो वहां भी फिर एक टैक्स लगा देते। कहां की बात कर रहा हूं मैं, दिमाग कहीं और मत चलाना भाई, टैक्स है ना ये, बताओ है? ठीक है चलो आगे बात करेंगे। दूसरी बात जो इसमें से और बहुत महत्वपूर्ण चीज है उनको आगे चलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया आगे चलेंगे, है ना, पहले अब उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। पहले ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पहले अब ये कुछ क्वेश्चन आ गया, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दक्कन के, जी सर, अच्छा समझ गए क्या है? समझ गए मुझे लगता है। चलिए सर, नंबर 1 यूट्यूब चैनल, थैंक्स सर हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करने के लिए, एकदम बढ़िया होगा भैया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया साहब, टीम टेस्ट बुक बहुत बढ़िया। देखो तुरंत सर ने पोल दे दिया। पोल का आंसर करेंगे, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यों, चोलों के, या केरल के चेर शासकों के, या वेंगी के चालुक्यों के? तो क्या उत्तर हो जाएगा? वेंगी के चालुक्य हो जाएगा ना, है पढ़ाया था ना। देख बी, भाई साहब ये भाई कौन है, बी वाला कौन है भाई? रे भाई हद कर दिए। क्या उत्तर हो जाएगा? कर्नाटक के चालुक्य, अभी बताया था ना यही बात, सिस्टम पकड़ लेना। क्या उत्तर हो जाएगा? कर्नाटक के चालुक्य, इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक के चालुक्य। कौन थे राष्ट्रकूट में जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था भैया? जिसका नाम था दंती दुर्ग था, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चोल काल में बेटी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? चोल काल में बेटी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था बताओ भैया? कर जो नकद राशि के रूप में वसूली जाती थी, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, कर जो उत्पादन के हिस्से के रूप में लिया जाता था, कर जो कि स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को भेंट किया जाता था बताओ भैया? चोल काल में बेटी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? अभी आप लोग 1400 बच्चे देख रहे हो मेरे प्यारे साथियों, अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं निकला, याद रखना जिस दिन सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना इस चैनल पर, इस बार धूम उठा देनी भाई साहब। सीटेट में 120 प्लस नंबर, 130 प्लस नंबर इसी चैनल से बच्चों के आएंगे। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, 871 लाइक है यार, 871 लाइक की संख्या, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इस पहले लाइक की संख्या को 1000 प्लस कर दो, जल्दी से लाइक की संख्या को 1000 प्लस कर दो भैया। क्या उत्तर हो जाएगा भैया? कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, कर जो जबरन श्रम के रूप में किया जाता था। यार लाइक की संख्या 1000 प्लस कर दो जल्दी से, शेयर भी कर दो, लाइक की संख्या 1000 प्लस कर दो जल्दी से। ये कोई बात नहीं है, मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं सेशन को, मैं एक बार सेशन को रिफ्रेश कर दे रहा हूं, लेकिन इस सेशन को ना जल्दी से भाई 1000 प्लस कर दो तो बात मजा आ जाए जल्दी से, है ना, लाइक 1000 प्लस हो जाने चाहिए। अगले प्रश्न के बारे आएंगे याद रखना, देखो कितना बढ़िया सवाल है तीसरा, तीसरे सवाल के बारे में बताओ, पहले तीसरा सवाल पढ़ो और जवाब दो भैया जल्दी से, अगले प्रश्न के बारे में बताओ जल्दी से। लगता है लाइट आ रही है क्वेश्चन पर, प्रॉपर दिख नहीं रहा, बुझा देता हूं। लीजिए साहब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया, किस काल की कृति है भैया? वो किस काल की कृति है भैया बताओ भैया, किस काल की कृति है बताना फटाफट से भैया, कि वो इस काल की कृति है भैया बताओ। किस काल की कृति है भैया बताओ ये? बहुत बढ़िया, लाजवाब, एकदम मजा आ गया भाई आज के सेशन में। तो चलिए, तो हमने क्या बताया था, राष्ट्रकूट काल की कृति है। किस काल की भैया? राष्ट्रकूट काल की कृति है, याद रख लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधु? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चौथे सवाल का जवाब दो, कलहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कलहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है, दक्कन के राजाओं का इतिहास पता चलता है, दक्षिण भारत के राजाओं का इतिहास पता चलता है, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं बताओ भैया जल्दी से सभी लोग, क्या उत्तर हो जाएगा? कलहण की रचना के द्वारा, तो कलहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर के राजाओं का। क्या? कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 1394 बच्चे देख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। 1394 बच्चे तक देख रहे हैं टेस्ट बुक स्टूडियो से। अपूर्व सर थोड़ा सा बच्चों तक भैया, और भैया इस सेशन को कह दीजिए बच्चों को कि वो भी ज्वाइन करें, है ना भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा एकदम से। कश्मीर के राजाओं का, अब पूरी कहानी को समझते हैं। अब पहले आगे इस चीज को समझ लिया, अब इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे इस थ्योरी को, समझना ध्यान से यहां पर, कैसे हम अभी तक यहां पर पढ़ रहे थे ना, अब थोड़ा सा आगे समझना। ये यहां पर प्रशस्तियां और भूमि अनुदान, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। प्रशस्तियों का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज की प्रशंसा में लिखी गई कोई भी चीज प्रशस्ति कहलाती है। प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो भैया
प्रशस्ति कौन करेगा भैया बताओ। देखो भाई लोकेश सर पूछ रहा लाइक करेगा कौन, तो जवाब दे दो मैं है ना। कौन सी मूवी का डायलॉग है शादी है मुझे याद नहीं आ रहा ना, है ना। कौन करेगा मैं, हाँ बाहुबली का, मेरे साथ लड़ेगा कौन मैं, मेरे साथ लड़ेगा कौन मैं, उस तरीके से। चलिए हम करेंगे लोकेश सर, हाँ हम करेंगे ठीक है चलो बढ़िया। तो प्रशस्तियों में बताई जाती थी। अच्छा ये सीटेट में पूछा गया कि प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, क्या प्रशंसा करना ठीक है। चलिए कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है, याद रखना प्रतिहार नरेश नागभट्ट। सबसे पहले तो जो नागभट्ट राजा है वो नागभट्ट राजा कौन से वंश है, तो प्रतिहार राजा, याद रखना प्रतिहार नरेश यानी राजा, तो प्रतिहार राजा नागभट्ट की एक प्रशस्ति हमको प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, प्रतिहार राजा प्रशस्ति, प्रतिहार राजा नागभट्ट की एक प्रशस्ति हमको प्राप्त हुई है। कहां से भैया, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। कहां से प्राप्त हुई भैया, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, ग्वालियर एमपी से प्राप्त हुई है। आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे, ऐसा उसमें दिखाया गया है। उनकी विजयों का उल्लेख किया जा रहा है, इस बात को याद रख लीजिएगा ठीक है भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश, किरात वनवासी, तुर्क जो तुर्क थे, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। तो इन शब्दों को समझ लो, ये हिस्ट्री के ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तुरुस्क यानी तुर्क, तुरुस्क यानी तुर्क, इस बात को याद रख लीजिएगा ठीक है। टेक्स्ट बुक स्टूडियो कह रहे 2000+ लाइव, आइए सर 2000+ लाइव तो फिर आ जाएंगे सर, लेकिन एक कंडीशन है सर, आपको इनको ये क्लास को रिकॉर्डेड देना होगा। टेक्स्ट बुक स्टूडियो सर आप बता दीजिए, अगर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड इनको दे दें और इसकी पीडीएफ देने की अगर आप हमें परमिशन कर दें, तो सर आज निश्चित तौर पर ये वॉचिंग 2000+ हो जाएगी। आप कमेंट करके बता दो सर अगर ऐसा कर दें तो, भैया मेरी आत्मा भटकेगी अगर बच्चों तुमने लाइक नहीं किया तो। अरे ठीक है भाई, थैंक यू सर ठीक है भाई, सभी लोग लाइक भी कर दो ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो तुरुस्क क्या हो जाएगा, तुर्क हो जाएगा, वत्स और मत्स्य हो जाएंगे, किरात, किरात किसको कहते हैं, जो वन में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को उसने जीत लिया, किसने, प्रतिहार राजा नागभट्ट ने। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह कौन सा, ये वाला, जिसे 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। भूमि को जो किसी को दे दी जाती है दान में भैया ठीक है, उसके लिए इसका जिक्र है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है, यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और इसमें होल करके इस तरीके से इसको एक कड़ी में भी बांधा गया है, याद रख लीजिएगा ठीक है भैया। चलिए बात क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हाँ सर यहां तक ये बात हमारी समझ में आ गई। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, भूमि पाने वाले को दिए जाते थे ताम्र पत्रों पर। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो, क्या सर ये बात समझ में आ गया सर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराइए भाई। ओ ऑब्जेक्टिव का संतरे डायरेक्ट पेपर में आ जाएंगे, तने की यहाँ बुद्धि में भी कॉन्सेप्ट तो घुसा ले भाई। थैंक यू शिवानी प्रजापति, थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझ ले भाई है। चलो 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहण नामक एक रचनाकार के द्वारा रचा गया, कब 12वीं शताब्दी में, कब 12वीं शताब्दी में, बात क्लियर है। चलिए कलहण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का उसने इस्तेमाल किया, इस बात को याद रख लीजिएगा ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, चोल राज्य नजदीक से एक नजर, चोल राज्य कहां पे था उसके बारे में हम, इसके बारे में बात करेंगे। याद रखना चोल राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, जैसे एक मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, कौन सा, ये एक मंदिर है जिसका नाम है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। जिस मंदिर पर आप देखिए इसकी आकृति को देखिए, किस तरीके से ऊपर इस तरीके से ये पतला होता जा रहा है, इसको बनवाया गया था, याद रखना। अच्छा भूमि के प्रकार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको, याद रख लीजिएगा कैसी भूमि के प्रकार थे,
चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेल्लन वगाई क्या भैया? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो है भैया, जो ब्राह्मण नहीं है किसान स्वामी की भूमि वेल्लन वगाई। ब्रह्मदेह क्या होती थी? ब्राह्मणों को पार में देगी भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेह कहलाती थी, याद रखना, ब्राह्मणों को पार में देगी भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुन मटुक्कनी, देवदान या तिरुन मटुक्कनी जो मंदिर को पार में देगी भूमि होती थी। पल्लचनम, पल्लचनम जो जैन संस्थानों को दान में देगी भूमि थी। तो जैन चोल अभिलेखों में इतने प्रकार की भूमि को दान के बारे में बताए, इतने प्रकार की भूमि के बारे में बताए। बात क्लियर है? चलिए भाई ये बात बढ़िया। देखो हिमांशु गुप्ता सर कमेंट कर रहे हैं भाई 2000 लाइक पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा भाई, तो उनकी बात मानने वाली बात है भैया। मैं भी इस बात को कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जरूर अपनी टीम से, हमारी टीम से डिस्कस कर लिया है। सर की बात को काट नहीं सकते, अगर आप सभी लोग इसको शेयर और लाइक करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी भैया, ठीक है। चलिए गुरुजी आप हिमांशु सर का स्वागत कीजिए। अरे हिमांशु सर तो भैया हमारे दिल में है भैया, है पूछू क्यों हिमांशु सर, मैं आपको स्वागत नहीं किया ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, समझना, आगे चलेंगे। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे, अब इसके क्वेश्चन करेंगे यहां पे, है ना, अब इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो फटाफट से ये समझ लिया, अब अगले सवाल का जवाब दो। अब पांचवें सवाल का जवाब दो, कितना बढ़िया सवाल है। पांचवें सवाल को पढ़ो, अब पांचवें सवाल को पढ़ो जल्दी से, पांचवें सवाल को पढ़ो जल्दी से। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है, सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था बताओ भैया, बताओ भैया क्या था? सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था, इसके बारे में आपको बताना है, बताओ भैया। कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, गोदावरी नदी के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए, या कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो याद हो जाएगा कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, किसके लिए भैया? कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, याद रखना किस पर भैया? कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए, तो याद रख लीजिएगा कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए तीन गुटों ने आपस में युद्ध किया, जिनको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया। इनको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार वंश कहा गया, इस बात को याद रख लीजिएगा, मतलब माफ करिएगा, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे। अच्छा अब कमेंट करके मुझे ये बता दो आप सभी, त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत किसकी हुई, त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत किसकी हुई, इसको कमेंट करके आप मुझे बता देना। चलिए अगले अगले प्रश्न में रहेंगे, छठवें सवाल का जवाब दो, छठवें सवाल का जवाब दो भैया, छठवें सवाल का जवाब दो भैया। सभी लोग लाइक करते रहेंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भैया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे बढ़िया एसएसटी क्लास पूरे कहीं पर नहीं होगी भैया, ठीक है भैया, कहीं पर भी नहीं होगी, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था, इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया? भाई हर एक राजा अपनी जीत के बारे में लोगों को बताना चाहता था, तो अपने साथ एक विद्वान लाते थे। 1400 लोग लाइक देख रहे हैं और मात्र भाई साहब 1100 लाइक हैं, मतलब लाइक कितने देख रहे हैं भैया बताओ, अभी 1400 बच्चे लाइक देख रहे थे और लाइक की संख्या मात्र 1100। अरे दादा ऐसा तो मत करो भैया, ऐसा मत करो, सभी लोग लाइक की संख्या को भी बढ़ाओ भैया। और आज जो आप पहली बार लाइव देख रहे हो ना, मेरे साथ में रोजाना भी जोड़ा करो, कितने बजे भैया? रोजाना शाम 4 बजे, रोजाना शाम 4 बजे जोड़ा करो, कितने बजे भैया? रोजाना शाम 4 बजे जोड़ा करो, ठीक है, जवाब दो। तो उसने किसको लेके आया था अपने साथ भैया? बहुत बढ़िया, सही जवाब है अल बरूनी, जिसका दूसरा नाम क्या भैया? अबू रेहान। अल बरूनी का दूसरा नाम क्या भैया? अबू रेहान, याद रख लीजिएगा, अबू अल बरूनी या अबू रेहान को अपने साथ लेकर के आया था, इस बात को याद रख लीजिएगा। सातवें सवाल का जवाब दो, चोल किसके सामंत थे? चोल के बारे में पूछ रहा है,
राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट तो थे भैया कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। किसके? चालुक्यों के। लेकिन अब पूछ रहा चोल किसके सामंत थे बताओ, चोल किसके सामंत थे भैया बताओ, भैया किसके सामंत थे चोल, चोल किसके सामंत थे बोलो भैया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई आज की क्लास में, मजा एकदम बढ़िया। एसएसटी जिंदाबाद है ना, जबरदस्त जिंदाबाद, मजा आ गया भाई, मजा आ गया ना। चोल किसके सामंत थे तो क्या उत्तर हो जाएगा, पल्लवों के सामंत थे। जहां राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे वहीं चोल किसके सामंत थे भैया, तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पल्लवों के थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। किस शासक ने मध्ययुगीन, किस शासक ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था, ध्यान रख लीजिएगा। तो राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने क्या करवाया भैया, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था। क्या करवाया था? हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान उन्होंने करवाया था। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। अच्छा हाँ, ये भी बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना। सर कमेंट भी कर रहे हैं, हम लोगों ने पता क्या कर दिया है, सी टेट का पेड बैच भी लॉन्च कर दिया है। तो आप सभी लोग सी टेट का पेड बैच भी ले सकते हैं, वहां पर डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको लगेगा, मेरा कूपन कोड अनुपम ANUPAM, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, अगले सवाल का जवाब दो। आठवां प्रश्न, आठवें प्रश्न को पढ़ो, कितना बढ़िया प्रश्न, एकदम बढ़िया, कितना बढ़िया प्रश्न है। जो बच्चे लाइव की संख्या छोड़ के जा रहे हैं ना, पछताओगे आप, ध्यान रखना पछताओगे भैया। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं न्यू स्टूडेंट हूं सर, RDX रॉकी जी स्वागत है भैया। जितने भी नए नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, और सेशन को लाइक कर देना, और रोजाना मेरे साथ में 4 बजे आपको जुड़ना है, रोजाना मेरे साथ में 4 बजे आपको जुड़ना है भैया, ठीक है भैया। और जो लाइव छोड़ के जा रहे हो ना, जब रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा तब देखना, पता चलेगा आपको। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, याद रखना, राजराज नामक एक चोल शासक के द्वारा, राजराज नामक एक चोल शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इस बात को समझना। और इसीलिए इस राजा के नाम पर इस बृहदेश्वर मंदिर का नाम भी एक दूसरा बदल गया, राज राजेश्वर मंदिर। कौन सा भैया? राज राजेश्वर मंदिर। किन भगवान का मंदिर है? तो मेरे इष्ट देव भगवान शंकर को समर्पित है, भगवान शंकर को समर्पित है, इस बात को याद रखना। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राज प्रथम नामक एक चोल शासक के द्वारा करवाया गया था, इस बात को नोट कर लीजिएगा। 9वें सवाल के बारे में बताओ, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी बताओ भैया। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? राजराज के द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा, कुलोलुंग प्रथम के द्वारा, या कुलोलुंग द्वितीय के द्वारा? ये वन वन का मतलब द्वितीय, कुलोलुंग द्वितीय के द्वारा या कुलोलुंग प्रथम के द्वारा बताओ, इसको कुलोत्तुंग भी कहा गया बताओ। अजी जवाब दो, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भैया? राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी, इस बात को याद रख लीजिएगा। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10वें सवाल का जवाब दो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। भाई पढ़ लो ढंग से तब जवाब देना। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये चोल काल के बारे में सवाल है, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताओ भैया। तो याद रख लीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो चोल काल के जो, याद रखना,
जो वहां का रूरल एरिया है, स्थानीय स्वशासन है, उसकी जानकारी हमको उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है। तो चोल काल के स्थानीय सुशासन की जानकारी मेरे प्यारे साथियों कहां से हमको मिलती है? तो ये हमको मिलती है उत्तर मेरू अभिलेख से मिलती है। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तथा ये शहर के अंदर क्या करते थे भैया? प्रशासनिक कार्य भी करते थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरी बात। अब थोड़ा सा इसकी पहले थ्योरी आपको समझा दे रहा हूं, वरना आप इनको भूल पाएंगे, वरना आप इनको भूल जाएंगे। अब थोड़ा सा समझना, चोल राज्य नजदीक से एक नजर, अब एक समझेंगे, याद रख लीजिएगा। बहुत धन्यवाद श्रीमती जी, बहुत धन्यवाद। देखो भैया रोजाना की तरह हमारी श्रीमती जी कितनी बढ़िया है, हमारे लिए भाई साहब चाय ले आई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए तो समझना, उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कहानी को समझना, कहानी को समझना मेरे प्यारे साथियों। कावेरी डेल्टा में, और कावेरी डेल्टा कौन सा? जहां कावेरी नदी आकर के गिर रही है, ये वाला जो एरिया है। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। कहां थे भैया? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। मैंने बताया था ना, ये प्रश्न ये पूछा गया था कि चोल जो है भैया किनके और जो है मातहत थे। जया त्रिपाठी जी, पेड कोर्स का प्राइस बहुत कम है, आप लोग पूछ रहे हो। आज आपको पेड कोर्स 835 रुपए का मिल जाएगा, अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे अनुपम, अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे अनुपम, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, गर्म चाय मिल गई, है ना। तो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। किसने भैया? विजयालय के द्वारा। उधर राष्ट्रकूटों में कौन था भैया? तो उधर राष्ट्रकूटों में था जिसका नाम था दंती दुर्ग, जिसने चालुक्यों को पराजित कर दिया था, बोलो हाँ कि ना। और दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। इधर चोल शासक विजयालय ने जो मुट्टरियार थे उनको पराजित करके उस पूरे डेल्टाई क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इस बात को याद रखना, उसने वहां तंजावुर शहर और निसुंब सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी समझना, उसने क्या बनवाया है? निसुंब सुदनी देवी का मंदिर बनवाया और उसने तंजावुर शहर भी बनाया। क्या बनाया? तंजावुर शहर उसने बनाया, निसुंब सुदनी देवी का मंदिर उसने बनवाया, याद रख लीजिएगा। विजयालय ने, विजयालय कौन है? चोल वंश से संबंध रखता है। कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध था, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी साइड में जो एक कहानी मैंने अभी आपको बताई थी कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहते। हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा इस पॉइंट को, ताकि आप इन चीजों को समझ जाए। हाईलाइट कर दे रहा हूं, कौन कौन थे? एक तो गुर्जर प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट, एक पाल वंशों के राजा कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया गया। कन्नौज का पुराना नाम क्या भैया? सुमन शुक्ला करें, पेड क्लास में भी SST रहेगा या फिर सब सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट रहेंगे और मैं भी पढ़ाऊंगा। कन्नौज का पुराना नाम है कान्यकुब्ज। कन्नौज का पुराना नाम क्या है भैया? कान्यकुब्ज, याद रखना। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में, समझना, चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष शामिल थे, समझना, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अगर आज कोई व्यक्ति बड़ा काम करवाता है तो अपनी सत्ता को दिखाना चाहता है, बात क्लियर, समझना। दूसरी बात समझने की कोशिश करना, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से लेके 1025 तक हमला किया। तो समझ लो, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया, याद रखने, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया, याद रखना। उसका निशाना संपन्न मंदिर थे, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था, याद रखिएगा। ये पेपर्स में पूछा जाता है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो महमूद गजनवी ने लूटा था। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर के समय वहां पर, याद रख लीजिएगा, शासन चल रहा था भीम प्रथम का, चालुक्य वंश का एक राजा था भीम प्रथम।
दूसरी बात समझना, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। तो चौहान और चहमान एक ही बात है, याद रख लीजिएगा, चौहान और चहमान एक ही बात है जो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे, इस बात को याद रख लेना। बात क्लियर है? चलिए, मैं जो बातें बता रहा हूं उनको भी आप सुनते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों हार गया था, पृथ्वीराज चौहान, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसी पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो कहावत है भैया, चार बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर ठाड़ो सुल्तान तो मत चूके चौहान। जब चौहान के हाथों में तीर दे रखा है और गौरी ऊपर बैठा है, तो उसका जो भाट है, जो चारण भाट है, वो सो गीत गीत में सुना रहा है, भैया लंबाई बता दी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण जानता है। चार बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर ठाड़ो सुल्तान तो मत चूके चौहान। हे चौहान, उसने बता दिया कि साहब ये पूरी पूरी कहानी है। बोलो क्लियर क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। तंजावुर शहर को किसने बनवाया? विजयालय ने बनवाया। निशुंब सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने बनवाया, इस बात को याद रखना। प्लीज सर रिकॉर्ड क्लास दे देना, बहुत सी हाउस वाइफ है, यहाँ पर घर का काम भी करना पड़ता है, मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा SSTY अनुपम सर के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, SSTY अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर लेना। आप ऐसे किस किसने टेलीग्राम ज्वाइन किया है ये बताओ, एक बार यस और नो में कमेंट करो। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है यस कर दो, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है वो नो कमेंट कर दो, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है बहुत बढ़िया, उनको पीडीएफ भेज दूंगा आज। राज राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए थे तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर, स्थापत की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, साला भोग, देवदान तिरुमटुकनी और पल्लिन चंद्रम, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ये होते जो लोग नो कमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अभी जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लो SSTY अनुपम सर। क्या सर्च करना है टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है SSTY अनुपम सर, SSTY अनुपम सर सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, और वहां पर जाकर के मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। साम्राज्य कैसे होता था ध्यान रख लीजिएगा, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, उर क्या होता था, चोल समाज में और उसके बाद की जो सोसाइटी है उसमें किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, याद रखना। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध जो शहर होते थे उसके समूह को नाडू कहते थे, नाडू। ये मेरे भाई ये NCERT चीजें दे रखी है, पेपर में आती है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए, श्वेता मिश्रा कहने फर्स्ट टाइम क्लास की आपकी, जस्ट सुपर्ब सर, थैंक यू मेरी बहन, रोजाना 4 बजे आप मुझे जरूर देखोगे, रोजाना 4 बजे, ठीक है। चलिए, तो नाडू किसको कहते थे? सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध शहर को नाडू कहते थे, किसानों की बस्तियों को उर कहते थे, याद रखना, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, तो नाडू पर कौन नियंत्रण रखते थे? जो धनी किसान थे, याद रखना। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मोवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान का, याद रखना। तो सोचना, चोल राजाओं ने मोवेंद वेलन का अर्थ क्या होता है? मोवेंद वेलन का अर्थ होता है 3 राजाओं की सेवा करने वाला वेलन या किसान। वेलन किसके लिए कहा गया? किसान शब्द के लिए प्रयोग किया गया, याद रखना, ठीक है। चलो, अरैयार किसको कहते थे? प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद दिए, इन चीजों को याद रखना। बाय बाय टाटा सर जी, अच्छा ये पढ़ लोगे तो कहीं तुम दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई, जो आप लोग क्लास छोड़ छोड़ के जा रहे हो ना, बाद में पछताओगे। लाइव क्लास लेने में मजा आता है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं देख पाओगे,
रिकॉर्डेड कब से? 4 बजे से फिर से मेरी रेगुलर क्लास चलेगी। अब 4 बजे वाली रेगुलर क्लास देखोगे कि इस क्लास को रिकॉर्डेड देखोगे, इसलिए भैया थोड़ा ढंग से पढ़ो, समझ रहे हो भैया? बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे भैया। ध्यान रखना ये सारी चीज हमने बता दी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ, परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा सभा की जाती थी। ये सभाएं कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे भर दर्ज हो जाते हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम क्या भैया? नगरम याद रख लीजिएगा, नगरम जो है भैया वो याद रखना, व्यापारियों का समूह है। क्या भैया? व्यापारियों का एक संघ है, ठीक है। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरुर से प्राप्त अभिलेख कौन सा? तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले से उत्तर मेरुर जिले के उत्तर मेरु जगह से प्राप्त हुआ उत्तर मेरुर अभिलेख, उसमें ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, सिंचाई के कामकाज कैसे थे, बाग बगीचे मंदिर कैसे थे, उसकी देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी, इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, किसी छोटे लकड़े लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो तभी तो मैंने कहा था भैया चोल समाज के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। और उत्तर मेरु अभिलेख हमको कहाँ प्राप्त होती है भैया? उत्तर मेरु अभिलेख हमको तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले से प्राप्त होता है, ठीक है भैया। चलो ठीक है, आगे बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलेंगे भैया। अब नेक्स्ट चलेंगे, यहां तक एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ कि हाँ सर ये बात हमारी यहां पर समझ में आ चुकी है परफेक्ट तरीके से, ठीक है नेक्स्ट चलेंगे। अब उत्तर मेरुर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता किस किस को मिलती थी, याद रख लीजिएगा। सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो उत्तर मेरु अभिलेख में बताया गया कि सभा का सदस्य वही हो सकता है जो भूमि का स्वामी हो, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरिया पूर्णम के एक उद्धरण से हमको चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है भैया। चलो खैर आगे बात करेंगे, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उत्तर मेरुर अभिलेख में जो ब्राह्मणों ने जो सोसाइटी वहां पे बना के रखी थी उसके बारे में चीजों को हमने पढ़ा, जिनके पास खुद का घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 साल होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी उनको होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब ये पूरा पढ़ा दिया था। तो दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो ये सामंत थे भैया हमारे किसके भैया? कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे, दंती दुर्ग, इसमें हमने नाम बताया था आपको। चोल काल में बेटी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसको बेटी कहते थे भैया। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया किस काल की कृति है भैया? तो वह जो कृति है भैया याद रखना वो राष्ट्रकूट काल की कृति है। किस काल की कृति है भैया? वो जो है भैया राष्ट्रकूट काल की कृति है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात हमने आपको तीसरा सवाल क्या बताया, हमने तीसरा सवाल जो बताया भैया याद रखना वो बताया हमने आपको ये वाला भैया के एलोरा की हो गया। चौथा सवाल क्या है, कलहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है, देखना। आगे कह रहा है भैया गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पालवंश के शासकों के बीच चली जो लंबी लड़ाई थी जिसको त्रिपक्षी संघर्ष कहते हैं वो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए थी। कन्नौज का परिणाम कान्यकुब्ज है। अफगानिस्तान के गजनी ने अलबरूनी को अपने साथ लेकर के आया था, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने।
चोल किसके सामंत थे? तो चोल जो थे भैया वो पल्लवों के सामंत थे, मैंने आपको बताया था विजयालय नामक चोल ने, और वहां पर मुट्टियार ने उस जगह पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के सामंत थे, दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, इसके बारे हमने आपको पढ़ाया। आगे चलेंगे, तंजावर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया, इसलिए इस मंदिर का दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर भी है। क्या भी है? राजराजेश्वर मंदिर भी है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसके द्वारा की है? राजेंद्र प्रथम के द्वारा की है। यह सवाल पूछा था भैया, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजराज प्रथम के द्वारा न करके राजेंद्र प्रथम है, जो कि बृहदेश्वर के मंदिर का निर्माण भैया जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया। आगे चलेंगे भैया, अगला, व्यापारियों के संघ को हमने कहा नगरम कहते थे, जो शहर के अंदर आते थे। चोल काल के स्थानीय सुशासन की जानकारी उत्तर मेरु रवलेख से प्राप्त होती है, पूरा उत्तर मेरु रवलेख मैंने भी आपको पढ़ाया था, उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, अब आप अगले सवाल का जवाब दो, ग्यारहवें सवाल का जवाब दो, अब आप ग्यारहवें सवाल का जवाब दो भैया, सभी लोग अब ग्यारहवें सवाल का जवाब देंगे, क्या हो जाएगा ग्यारहवां सवाल बताओ, क्या हो जाएगा ग्यारहवां सवाल बताओ जल्दी से। हाँ जी भैया बताओ भैया, अब बताओ भैया क्या हो जाएगा, कब तक चलेगा क्लास? अभी क्लास 1 घंटे आधे घंटे और चलेगा भैया। पूनम, मुद्दा ये नहीं है कि कब तक क्लास चलेगा, मुद्दा ये कितना बढ़िया क्लास चलेगा, इसलिए सभी लोग देखते रहो भैया ना। तो चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए, चोलकालीन मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बिल्कुल केंद्र थे, क्यों? चोल राजा है जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर को बनवाया, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर के और तंजावर के बृहदेश्वर के मंदिर को बनवाया, तो वो मंदिरों में उस चीजों को दिखाना चाहते थे भी, याद रखना। तो पहला सही है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, याद रखना, जो चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो विश्व की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं, वो विश्व की सबसे उत्कृष्ट का मतलब सबसे बढ़िया कांस्य प्रतिमाएं, और जो चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं वो किससे बनाई जाती थी? लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी, लुप्त मोम विधि से, लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी, किससे? लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी, याद रख लीजिएगा, लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाई जाती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है, ये बात भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बात क्लियर है। चलिए सर, रिकॉर्डेड क्लास करवा दीजिएगा, ठीक है, एक बार टीम से बात करूंगा, बोलो क्या कहते हैं, तभी हम कुछ फैसला लेंगे भाई, ठीक है। चलो तो क्या उत्तर हो जाएगा? 11वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12वें सवाल का जवाब दो जल्दी से, 12वें प्रश्न क्या कह रहा है बताओ भैया जल्दी से फटाफट से, ठीक है भैया जल्दी से जवाब दो फटाफट से, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा बताओ। वंदना देवी जी कमेंट कर रही हैं, हेलो सर, मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी भी देख रही है, उसे भी क्लास बहुत अच्छी से समझ में आ रही है, प्लीज एक बार उसका भी नाम ले लीजिए, गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, शुभकामनाएं, भगवान प्रभु मेरे ईष्ट शिव शंकर आशीर्वाद दे बेटा, खूब जीवन में तरक्की करो बेटा, खूब जीवन में तरक्की करो, ठीक है। चलो, चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, हमने आपको बताया था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, उसको उर नहीं कहते थे, अगर समृद्ध हो गई थी तो क्या कहते थे उसको? उसको नाडू कहते थे। वो पढ़े लिखे आदमी, वो प्रश्न देखा नहीं और सी जवाब दे दिया, हद है भाई साहब आप, है ना, हद है, इसका जवाब क्या कह रहा है भैया, उल्टा बोल दिया कि मैंने उल्टा बोल दिया क्या? 12वां सवाल क्या है? चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था, जो कि तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे, कौन सा कथन सत्य? सी जवाब दे रहा है, तो एक और दो, एक बार देख लेता हूं यार इस प्रश्न को, थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा है ना, है एक मिनट रुकना ना, पीछे एक बार इसको देख लेते हैं, पीछे के इसको एनसीईआरटी में एक बार देख लेंगे ना, इसको भी एनसीईआरटी में एक बार देख लेंगे ना, एक मिनट रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि गड़बड़ ना हो इसके लिए एक बार देख लेता हूं इसको, है ना, एनसीईआरटी में देख रखा था ना पूरा का पूरा, अभी तो इसको पढ़ाए थे हम पूरा,
प्रशासनिक में किसानों की बस्तियां जो और कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। हाँ सही है बिल्कुल, इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था, ग्राम परिषद। सही है भाई, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया ना, ये भी देख लो जो क्वेश्चन बनाया है इस एनसीईआरटी से बनाया, और ये एनसीईआरटी कौन सी, कक्षा 7 की एनसीईआरटी है, तो आप पूरा विश्वास रख कर सकते हैं, आप पूरा फुल विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई अनुपम सर जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो 13वें सवाल का जवाब, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताओ भैया, जैसे वेल्लन वगाई, ब्रह्मदेह, सालाभोग, पल्लीचंद्रम या तिरुनमटुक्कनी, तो बताओ भैया क्या इसका उत्तर हो जाएगा, इसके बारे में हमने बताया था आपको, बोलो भैया, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जो भी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताओ फटाफट से, एक एक चीज को ढंग से, एक एक चीज को ढंग से बताना भी है ना। तो पल्लीचंद्रम क्या भैया, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहते थे भैया पल्लीचंद्रम, क्या या पल्लीचंद्रम कहते थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब चौथा भी गलत है और पांचवा भी गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर बात करेंगे तिरुनमटुक्कनी किसको कहते थे, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, तिरुनमटुक्कनी किसको कहते थे, जो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते थे भैया, तिरुमटुक्कनी बोलते थे, याद रखना। सालाभोग किसको कहते थे, विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको सालाभोग कहते थे, याद रख लीजिएगा। ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि थी, क्या भैया, ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि थी उसको क्या कहते थे, ब्रह्मदी और वेल्लन बगाई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 4 और 5 इसका क्या नहीं भैया, सही सुमेलित नहीं है, 4 और 5 क्या हो जाएगा भैया, सही सुमेलित नहीं है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, क्लियर है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। ये भाई साहब पहले हमारा एक टारगेट था 738 हाईएस्ट वोचिंग का, लेकिन आज आपने इसको 1300 प्लस कर दिया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भैया। मेरी जो रेगुलर क्लास है वो रोज शाम 4 बजे चलती है, कहाँ गया भैया, चलो खैर, मेरी जो रेगुलर क्लास है वो रोज शाम 4 बजे चलती है, कितने बजे चलती है भैया, रोज शाम 4 बजे चलती है, तो आप सभी लोग SST भाई अनुपम सर के नाम से, SST भाई अनुपम सर के नाम से आप मेरे साथ में रोजाना जुड़ सकते हो, मेरे साथ में रोजाना जुड़ सकते हो। या बताओ भैया 14वें प्रश्न के बारे में बताओ, निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मोवेंद्र वेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी, है ना, मोवेंद्र वेलन मैंने बताया था ना, मोवेंद्र वेलन जैसी उपाधियां उनको प्रदान की थी, बताओ भैया ये जो उपाधियां उनको प्रदान की थी हमने आपको बताया था, बताओ भैया कौन सी उपाधियां उन्होंने इसको जो है प्रदान की गई थी, बोलो भैया, मोवेंद्र बेलन, ये होगा मोवेंद्र बेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, चोल राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा भैया, चोल राजाओं के द्वारा मोवेंद्र बेलन और अरैयार जैसी उपाधियां प्रदान की थी, याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब कक्षा 7 की एनसीईआरटी में दिल्ली के शासकों के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, दिल्ली के शासकों के बारे में बताया गया, याद रख लीजिएगा, क्या बताया गया थोड़ा उसको समझेंगे। जैसे दिल्ली में शुरुआत में राजपूत वंश के राजाओं का शासन था, एक तोमर राजा था जिसका नाम था अनंगपाल तोमर, अगर आपसे पूछी जाए कि दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, याद रख लीजिएगा, तो दिल्ली की जो स्थापना की गई थी वो दिल्ली की स्थापना की गई थी अनंगपाल तोमर नामक एक राजा के द्वारा, किसके द्वारा, अनंगपाल तोमर नामक एक राजा के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी, याद रख लीजिएगा। उसके जो अनंगपाल तोमर था उसका शासन था 1130 से 1145 के आसपास, 1130 से 1145 के आसपास उसका शासन था। उसके बाद अनंगपाल तोमर के बाद चौहानों का शासन आ गया, जिसमें पहला आ गया पृथ्वीराज चौहान, जिसने 1175 से 1192 तक शासन किया, कब तक किया, 1175 से 1192 तक शासन किया पृथ्वीराज चौहान ने, और जो पृथ्वीराज चौहान है इसने ही एक तो 1191 में युद्ध लड़ा गया, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, तराइन का प्रथम युद्ध, क्या कहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा, और 1192 में क्या कहते हैं भैया, 1192 कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, क्या कहते हैं, तराइन का
द्वितीय युद्ध कहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, बात क्लियर है। उसके बाद फिर कुछ तुर्की शासक आते हैं जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया है। ग्यासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, मतलब 1240 से लेके 1266 के बीच में छोटे छोटे शासक हुए। फिर खिलजी वंश आ गया 1290 से 1320 में, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसका नाम क्या, मुबारक शाह खिलजी हुआ था। फिर उसके बाद तुगलक वंश आ गया 1320 से 1414 में, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद वंश में आ गया, इससे पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ, फिर खिजर खान आ गया। और फिर लोधी वंश में बहलो बकलो लोधी, बहल बकलो नहीं, बहलो लोधी है ना, बहलो लोधी। उसके बाद में सिकंदर लोधी, उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के साथ में याद रखना 21 अप्रैल 1526 को जो बहलो लोधी के बाद जो सिकंदर लोधी बचा, सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोधी। और इसी इब्राहिम लोधी के साथ याद रखना 21 अप्रैल 1526 को इसी इब्राहिम लोधी के साथ याद रखिएगा बाबर का एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं भैया पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और इसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसमें जीत होती है बाबर की, इब्राहिम लोधी की पराजय होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डल जाती है। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डल जाती है, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो दिल्ली के जो सुल्तान हुए, याद रखिएगा, जो दिल्ली के जो सुल्तान हुए उनसे काफी भैया महत्वपूर्ण चीजें हमको मिलती हैं। जैसे कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं, सुल्तानों के अधीन जो दिल्ली थी, उन सुल्तानों के बारे में कुछ लेखकों के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ कुछ बातें लिखी गई थी, उनको थोड़ा समझना। जैसे इतिहास में तारीख शब्द का मतलब होता है एक वचन, तवारीख शब्द का मतलब होता है बहुवचन। तारीख को लेकर के और तवारीख को लेकर के सवाल पेपर में पूछा गया। डिंपल ठाकुर कह रही सब भागे, डिंपल जी जो भाग गए उनको भाग जाने दो, वो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे, वो तो बस कहते ना, वो तो बस आए और चले गए, वो उसी चक्कर में रहते हैं। जो लोग लास्ट तक देखते रहेंगे उनका मैं वादा करता हूं पेपर उनका ही निकलेगा भी, है ना। तो आप सभी लोग लास्ट तक देखते रहो, मेरा आपसे निवेदन है भैया। बाकी आपको भी क्लास छोड़ के जाना है तो जाओ भैया, मैं पूरा 2-2.5 घंटे पढ़ाऊंगा क्लास को बढ़िया तरीके से, आपकी मर्जी, जो भी काम करना आप करो भैया, ठीक है। चलो, तो तारीख जिसको एक वचन कहते हैं, तवारीख जिसको बहुवचन कहते हैं, जो सुल्तानों के काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तारीख और तवारीख के लेखक जो है भैया किसमें लिखते थे, तो तारीख और तवारीख के जो लेखक है भैया वह फारसी भाषा में लिखा करते थे। कई बार पेपर में आता है कि अरबी भाषा में लिखते थे। तवारीख के जो लेखक थे वो सचिव थे, प्रशासक थे, कवि थे या दरबारी गण थे जो इन घटनाओं को लिखते थे। ध्यान रख लीजिएगा, ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। किसकी देते थे, न्याय संगत शासन पर बल देते थे, याद रख लीजिएगा। जैसे समझना, 13वीं सदी का एक इतिहासकार है जिसका नाम है फक्र ए मुदब्बिर, याद रखना। 13वीं सदी का एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है भैया फक्र ए मुदब्बिर। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए थे, राजस्व आता है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे तो ये न्याय चक्र कहा गया भैया, किसकी तरफ से, फक्र ए मुदब्बिर की तरफ से कहा गया, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, आगे थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये कुछ और बातें ध्यान से रखें, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। सीटेट में पूछा गया और उसमें बताया गया कि तवारीख के लेखक गांव में रहते थे, ये बात गलत हो जाएगा। तवारीख के लेखक गांव में नहीं रहते थे, तवारीख के लेखक हमेशा शहरों में रहते थे, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात याद रख लीजिएगा कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारा इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। समझना ध्यान से, यह जो तवारीख के लेखक हैं या ये जो तारीख के लेखक हैं,
यह उनको सलाह देते थे। तारीख या तवारीख के लेखक उनको सलाह देते थे, किनको सलाह देते थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे, कि आप जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था बनाओ। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि तवारीख के लेखकों से क्या सभी लोग सहमत थे, तो नहीं भैया, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, याद रखना। अब सबसे पहले ये समझें कि ये जन्मसिद्ध अधिकार और ये लिंग भेद सोसाइटी क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद की ये व्यवस्था क्या है, जिसको बोलते हैं बर्थ राइट। बर्थ राइट का मतलब क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार। और एक बोलते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी लिंग भेद क्या है। इन चीजों को थोड़ा समझना, यहां पर ध्यान रखना। कैसे भैया? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। जन्म के आधार का मतलब है कि ये लोग देते थे भैया कि आपने यदि किसी कुलीन परिवार में जन्म लिया है, आपने यदि किसी राजा के यहाँ पे जन्म लिया है, तो शासन करने का जो हक है, जो आपका अधिकार है, वो आपको जन्म से मिल जाता है। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ये कहते थे प्रिविलेज क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज देवर बोर्न इन सर्टेन फैमिली। वो किसी खास परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए उनको, याद रखिएगा भैया, और जो उनको शासन करने का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था, ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, किसको अधिकार मिलना चाहिए, याद रख लीजिएगा, अधिकारों का वह हकदार कर्तव्यों से जिसको पार, जिसको अपने कर्तव्यों से प्यार है, जिसको अपने कर्तव्य की, भाई मेरी ड्यूटी क्या है, जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ढंग से करेगा उसी को तो अधिकार मिलेगा। लेकिन ये बात गलत है। लेकिन ये लोग, जो लेखक लोग हैं, क्या कहते थे भैया, किसी को कि आपने इस फलाने परिवार में जन्म लिया तो आप राज करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर कहा भैया कि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। और लिंग भेद क्या है? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर होता है। स्त्रियों तथा पुरुषों के दिन क्या भैया? स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक शरीर रचना संबंधी अंतर होता है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो हैं वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। देखो, ये बात कहना कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं गलत है। कुछ महिलाएं भी बहुत श्रेष्ठ होती हैं ना, और अगर आप महिलाओं को पुरुषों से नीचे मान रहे हो, तो वो व्यक्ति इस बात को कैसे भूल गया कि उसने जन्म भी एक महिला के गर्भ से लिया है। अगर वो महिला, अगर वो माता किसी को अपने पेट में 9 महीने तक ना रखे तो उसका जन्म ही ना हो। तो ये देखो, इस पुरुष की मानसिकता को समझो, जिस स्त्री के गर्भ से उसने जन्म लिया, वो कह रहा है कि वो स्त्री तो नीची है, वो स्त्री तो हमारे बराबर ही नहीं बैठ सकती है। विमान मलिक, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो उसको समझो, ये बात हर किसी के लिए लागू होती है, ये बात चाहे हमारा सनातन धर्म हो, हमारा चाहे हमारा भैया इस्लाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, जिस मनुष्य ने और भैया महिला के गर्भ से जन्म लिया और वही पुरुष कहता है कि आप हमसे नीचे दर्जे की हैं, गलत है। इसलिए सारे लोग उनसे सहमत नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ, दिल्ली सल्तनत में सारे लोग जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज की बात करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करना, उस ही समाज में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, जिसका नाम है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई। मनीष पाठक, अरे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया भैया, एकदम बढ़िया कंटेंट चलेगा, सीधा सीटेट में आता है। अब उसी समय पर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई, और वो रजिया सुल्तान कौन है? एक महिला है। अब ऐसे में अगर एक महिला गद्दी पर बैठे तो लिंग भेद सोसाइटी का खंडन हो रहा है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने
स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इतिहासकार मिन्हाज उस्सिराज मानता है कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों में अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहा था? क्योंकि वह जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद नामक टर्मिनोलॉजी से ग्रसित है। याद रखना, दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया। 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया, याद रखना। ठीक है, बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कंटेंट सभी लोग बढ़िया भैया, तो एक बार सभी लोग कमेंट में यार एक बार एसएसटी भाई अनुपम सर तो लिख दो। एक बार सभी लोग कमेंट में एसएसटी भाई अनुपम सर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एक बार सभी लोग लिख दो तो मजा आ जाएगा, एकदम से मजा आ जाएगा भैया। ये पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ये कक्षा 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये कक्षा 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये और उसके बाद ये पूरी कक्षा 8 की एनसीईआरटी पूरी आज आपको करा दूंगा। आप सभी लोग बस मेरे साथ में बने रहिए, आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है भैया, चलिए क्लियर है, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बात? कि हाँ सर, ये बात हमारी समझ में यहाँ पर आ गई। ठीक है भैया, बताओ क्लियर है कि हाँ सर, ये बात हमारी समझ में यहां पर आ चुकी है एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। याद रखना दूसरी बात, याद रखना अब रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा समझना कि रजिया के बारे में मिन्हाज उस्सिराज के विचार क्या थे। कौन है मिन्हाज उस्सिराज? 13वीं सदी का इतिहासकार है मिन्हाज उस्सिराज, और वो क्या कह रहा है जरा उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि क्या कह रहा है मिन्हाज उस्सिराज, उसको थोड़ा सा देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोग, इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हैं। मिन्हाज उस्सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। वो मानता है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। भाई रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। वो कह रहा है कि इतनी बढ़िया बढ़िया आपने उसको खूबियां दी हैं भैया, लेकिन वो एक महिला है, क्या फायदा उसे। थैंक यू साहिल शाहजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलेंगे। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी भैया? उसने बताया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रख लीजिएगा। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। कहां पर भैया? आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था, और उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। याद रखना, तो रजिया सुल्तान की तरह ही उससे कुछ समय के बाद, भाई रजिया सुल्तान क्या हुई है, 1236 से 1240 तक हुई है रजिया सुल्तान, 4 साल। रजिया सुल्तान के बाद याद रख लीजिएगा भैया, 1262 से 1289 तक आंध्र प्रदेश के वारंगल वाले क्षेत्र में काकती वंश की एक रानी हुई, उसने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों के जैसा लिखवाया। एक और महिला शासिका थी जिसका नाम कश्मीर की रानी दिद्दा थी, जो 980 से 1003 तक गद्दी पर बैठी। क्या भैया? जो 980 से 1003 तक गद्दी पर बैठी, जिसका नाम था रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह इसने भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? कठिन इसलिए था क्योंकि समाज की, उस जमाने की सोसाइटी इसी तरीके से थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक व्यवस्था पूछी जाती है कि एकता व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, याद रख लीजिएगा। एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी।
इसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश इसके द्वारा की गई थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एकता को संभालने वाला व्यक्ति एकतादार या मुक्ति कहलाता था, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। पूरी कहानी और भी लिखी है, थोड़ा सा आप भी पढ़ लेना, टेंशन फ्री होके मस्ती के साथ में, ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैं यहाँ पे इनकी पूरी लाइन आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे आपको काम की चीजें पढ़ा दे रहा हूँ। इस समय पे कुछ कर होते थे, जैसे कृषि पर एक कर लगता था जिसको कहते थे खराज, कृषि पर एक कर लगता था जिसको खराज कहते थे, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। खराज जो कर होता था कितना होता था, 50% होता था। मवेशियों पर भी कर लगते थे, ध्यान रख लीजिएगा, घरों पर भी कर लगते थे, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझना। इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था, याद रख लीजिएगा। तो लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर कूच करने वाला या जीत करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन हुआ है, तो उसका नाम क्या, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा भैया, अलाउद्दीन खिलजी। तो खराज नामक कर किसके लिए लिया जाता था, कृषि पर लिया जाता था, 50% होता था। मवेशी पर लिया जाता था, घरों पर लगता था, इसको घरही कर कहते थे। क्या कहते थे, घरही कर कहते थे, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस आक्सियन, जिसको आधुनिक उज्बेकिस्तान कहते हैं, उस पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालने के लिए प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था, सिकंदर ए सानी की उसने उपाधि धारण की थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है मधुबनी जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। इस बात को आपने यहां पर याद कर लिया और उसमें कुछ खास चीजें नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अब हम इस चीज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन, आपके सामने थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करेंगे, याद रख लीजिएगा। सर आपकी एक अलग ही छाप है, इसलिए हमारे गुरुदेव हैं, धन्यवाद, शुक्रिया भैया, थैंक यू एस एस टी इनफॉर्म सर, शुक्रिया वंदना, एम्पायर गेमर, पूजा त्रिपाठी, रानी कुमारी, नीतू सेन, छोटू कुमार, मधुबनी जी, ओके, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। चलिए इस सवाल का जवाब देंगे, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालाक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सही क्या भैया, याद रखना सही क्या भैया, सबसे पहले समझना दिल्ली सल्तनत पर अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले कौन आया भैया, गुलाम वंश आया, गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद कौन सा आया, खिलजी वंश आया, खिलजी वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद कौन सा आया भैया, सैयद वंश आ गया, सैयद वंश के बाद कौन सा आ गया, लोधी वंश आ गया, कौन सा आ गया भैया, लोधी वंश आ गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो कह रहा है सही वंश को करिए, तो गुलाम वंश कहां पे, गुलाम वंश को हम तुर्की शासक कहते हैं जो शुरुआत के थे, पहला दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक और चौथा सैयद वंश, ठीक तो है। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार में सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत धन्यवाद पोदार जी, बहुत शुक्रिया, माई टॉप टीचर अनुपम सर, थैंक यू राजेश भाई, इतना बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, लास्ट तक बने रहना, ठीक है भैया। चलिए सर आपकी आवाज, हाँ चाय भी एक मंगानी पड़ेगी भैया, है ना, अभी बोलते हैं भैया, ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अब आप दूसरे प्रश्न के बारे में बताओ, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। पूजा बेटा मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूला बेटा, स्वागत है बेटा आपका, वेलकम है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, विदेशी व्यापारियों को रहने खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए किया जाता था, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बनाए मजबूत किलेबंद शहर थे, या कैदियों एवं दासों को रखने के लिए रखा जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर में कोई मजबूत किला बना दिया जाता था। इसकी ज्यादातर शुरुआत याद रख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुई है, किसने हुई है, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुई है। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दो भैया, लाइक की संख्या एकदम से कम हो गई है, और जो नए हैं वो चैनल को क्या कर दो भैया, सब्सक्राइब भी कर दो, क्या कर दो, चैनल को
सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आप कितना मेहनत करते हैं। ओके जी, शुक्रिया जी, आगे बात करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक मस्जिद से सवाल पूछा जाता है, मस्जिद से सवाल पूछा जाता है, रख लीजिएगा। मस्जिद क्या एक अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है भैया? ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथे को टेक करके करते हैं। सजदा जो करते हैं, जो घुटना टेकते हैं, फिर ऐसे माथा टेकते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया? सजदा कहते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मस्जिद क्या, याद रखना, मस्जिद जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है मेरे प्यारे साथियों, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान जो है, याद रख लीजिएगा, अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या उसी का नाम है मस्जिद ए जामी, वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, इमाम कौन होता है, इमाम किसको चुना जाता है? तो इमाम, याद रख लीजिएगा, जो नमाजी होते हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें जो सर्वाधिक विद्वान हो या सम्मानीय, उनको इमाम कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? धर्मोपदेश खुतबा भी पढ़ते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं भैया? मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, याद रख लीजिएगा। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। भारत में मक्का किधर पड़ता है भैया? भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में पूछे जाते हैं भैया कि मक्का की तरफ की जो यात्रा है, जो दिशा है, उसको क्या कहते हैं भैया? उसको हम कहते हैं किबला कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भैया? उसको हम किबला कहते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इससे पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा, बताएंगे इस बात को यहां पे नोट कर लीजिए, ठीक है भैया। बताओ, क्लियर भैया? बताओ फटाफट से, ठीक है भैया। और आप सभी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, सब भैया सारे धर्मों का सम्मान करो भैया, इस बात को याद रख लीजिएगा। समझ समय दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा हो हिंदुस्तान है। चलिए जी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो किबला क्या होता है, याद रखना, कि जो मक्का की ओर जो दिशा है, जो बेसिकली भारत में पश्चिम दिशा पड़ती है, उसको किबला कहते हैं, याद रख लीजिएगा। शुक्रवार शुक्रवार को इमाम धर्मोपदेश खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा का मतलब धर्म को एक्सप्लेन करते हैं, याद रख लीजिएगा। और सारी सारी चीजें, अब यहां से अब आगे समझ लगे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र, मतलब देवगिरी द्वार समुद्र, मदुरै, तंजावर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विजित किया था? मैंने आपको बताया था उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक सैन्य अभियान करने वाला भैया, बताओ भैया। हेलो सर, यह वीडियो मैंने अपनी बबीता बहन को शेयर की है, वह भी शादीशुदा है और उनकी भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया बबीता जी, बहुत धन्यवाद। वंदना जी बहुत शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया भाई हुसैन रजा जी, क्या ही गजब की बात कह दी भाई, बहुत ही बढ़िया बात कह दी है ना, ठीक है। चलो बताओ भैया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया भैया? हमने आपको बताया था कि ये काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, इस बात को याद रख लीजिएगा। जो भी क्लास लास्ट तक देखेगा, मैं वादा करता हूं वो सी टेट में इस बार सिस्टम हैंग कर देगा भैया। हाँ जी आशीष कुमार जी, कोर्स लेने पर बुक भी मिलेगी, ठीक है। चलो अगले सवाल का जवाब दो। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं, बताओ। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मक्का की दिशा को, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? लिबान, किबला, ममसुरा या सहन, ममसुरा या शहर, बताओ भैया क्या कहते हैं। मेरी रोजाना की क्लास याद रख लीजिएगा, रोज शाम 4 बजे लाइव होती है भैया, रेगुलर क्लास रोज शाम 4 बजे क्या होती है भैया?
रोज शाम 4 बजे रेगुलर क्लास होती है, याद रख लीजिएगा। और बहुत जल्दी अब PYQ भी आपको कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एक बार दोबारा से आपको कराऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं किबला कहते हैं। और भारत में किबला किधर पड़ता है, भारत में किबला किबला पड़ता है पश्चिम दिशा में। कहाँ पड़ता है भैया, पश्चिम दिशा में पड़ता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। SST बेस्ट टीचर, SST किंग, बहुत धन्यवाद। सभी लोग एक बार यस लिख देंगे, सवाल बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ, पांचवें सवाल के बारे में बताओ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, बताओ भैया। दिल्ली सल्तनत में बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, मजदूर के लिए, गुलाम के लिए, किसान के लिए, या काश्तकार के लिए, बताओ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द जो है भैया वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था, मजदूर के लिए, गुलाम के लिए, किसान के लिए, या काश्तकार के लिए, बताओ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था। ओके धन्यवाद जी, कोई नहीं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो बाद की जो रेगुलर क्लासेस हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, गुलाम के लिए, क्या गुलाम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता, बदंगा शब्द प्रयोग में लाया जाता था। क्या बदंगा शब्द जो है गुलाम के लिए लाया जाता था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था, तो गुलाम शब्द के लिए लाया जाता था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। छठवें सवाल के बारे में बताओ, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक एक ऑप्शन को पढ़ो भैया, एक एक ऑप्शन को ढंग से पढ़ो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए भैया, विचार करो भैया निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भैया। गुरु आपके उपकार को कैसे चुकाऊं मैं, मोल लाख कीमत धन भला, गुरु है मेरा अनमोल। धन्यवाद, इतना बढ़िया कमेंट करने के लिए, इतना रेस्पेक्ट, इतना सम्मान देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नेहा प्रिया जी भी धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बात करेंगे, बताओ। तो याद रखना, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे, इन एकताओं को संभालने वाला अधिकारी अमीर कहलाता था, नहीं अमीर नहीं कहलाता था, इनको संभालने वाला व्यक्ति इक्तेदार कहलाता था, इसी को मुक्ति कहते थे, मुक्ति या मुक्ति भी कहते थे। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक का सूत्र हो जाएगा। सी जवाब दे रहे हैं, बताओ क्या ही कह रहे हो आप लोग, बताओ कौन सा कथन सत्य है, रवि तो बताया था एकताओं को संभालने वाला व्यक्ति इक्तेदार या मुक्ति कहलाएगा, इक्तेदार या मुक्ति कहलाएगा भी आपको बताया था, और पता नहीं आप क्या ही कह रहे हैं, है ना। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, बताओ क्लियर है यहां तक, एक एक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ एक एक बात एकदम से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ भैया कि हाँ सर ये बात यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। सातवें प्रश्न के बारे में बताओ, निम्नलिखित पर विचार करिए भैया, निम्नलिखित पर विचार करिए भैया। थोड़ी सी लाइट चली गई है तो मैंने फैन को थोड़ा तेज कर दिया, आप सब लोगों को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा, आवाज साफ आ रही है ना, हो तो बता देना, मैं फैन ऑफ कर दूंगा ना, एक्चुअली गर्मी लग रही है इसकी वजह से थोड़ा फैन तेज कर दिया हूं, है ना, लाइट चली गई ना, AC बंद हो गया इसलिए। बताओ, मुक्ति लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके, उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले, उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले भैया, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको बताया था भैया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए इसका उत्तर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक बात रुको, दो बातें और याद रखना, ये जो एकते की व्यवस्था है, जो एकता एकता प्रणाली जो शुरू की थी, एकता प्रणाली किसने शुरू की थी, एकता प्रणाली शुरू की थी याद रखना, इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। क्या था इस एकता प्रणाली में, इस एकता प्रणाली में क्या होता था मेरे प्यारे साथियों, जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था किसी व्यक्ति को कि आप इस जमीन के टुकड़े से टैक्स निकालिए, इस जमीन के टुकड़े से जो पैसा आ रहा है उसको आप भी रखिए, सेना को भी अपनी को खर्चा उसमें निकालिए, और बचे को जो पैसे को दिल्ली पहुंचा दीजिए, ठीक है। और लेकिन इस एकता को संभालने वाला व्यक्ति इक्तेदार या मुक्ति कहलाता था, लेकिन कहीं वो मुक्ति उस जगह पर पूरी तरीके से शासन ना कर ले, वंशानुगत ना हो जाए, अपनी ताकत को ना बढ़ा करके बगावत ना कर दे, इसीलिए उसको एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया जाता है। सर आशीर्वाद दो, पेपर दे के थक गए, एग्जाम के लिए नहीं होता। साहिल साजी ईश्वर के लिए रोगा, टेंशन मन लो, ईश्वर आप हमारे साथ में जुड़े हो भैया, टेंशन मन लो, ठीक है भैया। चलो देखो, एक CTET का पेड बैच भी लॉन्च किया हम लोगों ने भैया, हम लोगों ने एक CTET का पेड बैच भी लॉन्च किया है,
तो आप सी टेट का पेड बैच भी ले सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कूपन कोड याद रखना अनुपम, क्या कूपन कोड याद रखना अनुपम, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज बहुत हैवी डिस्काउंट है, ₹835 का मिल रहा है आज सी टेट का कोर्स, ₹835 का मिल रहा है, जिसमें इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है समझना, जिनका भी सी टेट का पेपर अब तक पास नहीं हुआ उनका सी टेट का पेपर अब पास होगा, इंग्लिश में जो 30 नंबर की लैंग्वेज है पढ़ाएंगे हमारे दीपक चौहान जी, आपकी लैंग्वेज में जो 30 नंबर का दूसरा सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं संस्कृत भैया, उसको पढ़ाएंगे हमारे संजय सर। तो लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का भी टीचर है हमारे पास, संस्कृत के भी टीचर है, 30 नंबर ही हो गए। अविरल मेरे भाई बहुत शानदार टीचर है ये, इतना तंगड़ा पढ़ाते हैं हिंदी में, आप देखेंगे भी 30 नंबर के लिए हिंदी में एग्जाम शानदार अविरल सर पढ़ाएंगे। उसके बाद 30 नंबर की भैया सीडीपी में अजय खरब जी आपके साथ आएंगे, 30 नंबर की सीडीपी में कौन पढ़ाएंगे, अजय खरब जी आपको पढ़ाएंगे, 60 नंबर की एसएसटी आपको मैं पढ़ाऊंगा आपका भाई। तो हो गए ना भैया, बड़े आराम से देखो मैं बताऊं, 30 नंबर की सीडीपी में अजय सर ने पढ़ा दिया, मान लो 25 नंबर तो आएंगे लैंग्वेज में, मान लो आपके 25 नंबर तो आएंगे हिंदी, मान लो आपके 25 नंबर तो आएंगे ही आएंगे भैया, 25 दूनी 50, 25 थी 75 नंबर तो ये हो गया भैया। अरे और कम ले लो, हिंदी में ले लो 20 नंबर है ना, सीडीपी में भी ले लो 20 नंबर, आप लैंग्वेज में ले लो 20 नंबर, कितना हो गया 20 दिया 60, और आप 60 में से 40 नंबर तो लाओगे, 60 और 40 कितने हो गए भैया 100 नंबर हो गए, 100 पे फिर भी आपका सीटेट का पेपर पास हो जाएगा, 100 पे फिर भी आपका सीटेट का पेपर पास हो जाएगा। जब मैंने ये तब लगाया जब 20-20 नंबर लगाए, जबकि ये इतने शानदार फैकल्टीज हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, जो आपको पेड बैच में इतना तगड़ा कंटेंट पढ़ाते हैं भैया कि आपके नंबर 120 प्लस से कम नहीं आएंगे, इस बात को याद रखना। तो यह कोर्स हमने कहां पे लॉन्च किया है, टेस्ट बुक की एप्लीकेशन पर लॉन्च किया है, वहां से इसको परचेज कर लेना, ठीक है। चलो इतना ही बताऊंगा, आगे चलेंगे हम, अब आगे आ जाते हैं हम आठवें प्रश्न पे चलेंगे, उतना ही प्रमोशन करेंगे जितना जरूरी है, जिसको पढ़ना होगा वो खुद से जाकर के कोर्स ले लेगा, जिनको मौज मस्ती करनी होगी वो ऐसे ही रहेंगे भैया, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है भैया। जिनको पेड कोर्स लेना है भैया, जिनको अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है वो खुद से चले जाएंगे, जिनको नहीं करना है भैया वो अपनी मौज मस्ती यहीं पे करते रहेंगे, ठीक है। चलो जवाब दो, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, खुम्स कहते थे, जकात कहते थे, खराज कहते थे, या उसर कहते थे, बताओ। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे भैया, तो दिल्ली सल्तनत में कृषि पर करने वाले कर को क्या कहते थे, खराज कहते थे, जो किसान की कुल उपज का 50% तक होता था, क्या होता था, 50% तक होता था, याद रख लीजिएगा 50% तक होता था, जो किसान की कुल उपज का 50% तक होता था, इस बात को याद रख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, खराज कहते थे, 50% होता था, याद रखना। नौवां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इन कथनों पर विचार करिए, आप में से जो पहली बार देख रहे हो मैं उनको बता दूंगा कि रोजाना ये जो क्लास है 4 बजे होती है, आज तो संडे का दिन था स्पेशल क्लास है, लेकिन रोजाना क्लास 4 बजे होती है, कितनी होती है भैया, रोजाना 4 बजे क्लास होती है, याद रख लीजिएगा, कितने बजे होती है, रोजाना 4 बजे क्लास होती है, याद रखना, ठीक है। चलो, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई, मोहम्मद तुगलक ने भी याद रखिएगा, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के नौकर के सस्ती धातु के थे, कौन सा कथन सत्य है। मोहम्मद तुगलक के बारे में पूरी कहानी दे रखी है भैया, मैंने कोर्स ले लिया, बुक कब मिलेगी, शायद आपके पास में बाई पोस्ट चली जाएगी, सी इसका सूत्र हो जाएगा, एक और दो दोनों इसका सूत्र हो जाएगा, आशीष पूछ के बता दूंगा टेक्निकल टीम से, ठीक है भैया। चलिए ठीक है भैया, सर आपकी क्लास देख करके मेरा सी टेट और एमपी टेट क्लियर हुआ है, सर आपकी ऐसी क्लास, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुभकामना आपके लिए, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है ना। चलो आगे चलेंगे, अगले सवाल का जवाब दो, देखो कितना बढ़िया सवाल है, 10वां सवाल का जवाब दो, अब 10वें सवाल का जवाब दो, आपके लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है 10वां, क्या कह रहा है भैया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर था,
गैरीसन शहर क्या था, हमने आपको बताया था ना, जहां पे सेना को रखने के लिए, सेना की टुकड़ी रखने के लिए किलेबंद जो बनाया जाता था उसको गैरीसन शहर कहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया। वह किस जगह पर था? तुगलकाबाद में था, आगरा में था, अजमेर में था या दिल्ली में था, याद रखना, ठीक है? या जी हाँ, नगद वेतन तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया ना सर, बिल्कुल किया था भैया, है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी तो उससे पहले आ गया ना। चलिए डी इसका उत्तर हो जाएगा, दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में गैरिसन नामक शहर बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रख लीजिएगा, इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, सेना को नगद वेतन इसने देना शुरू किया। इसने, ध्यान रख लीजिएगा, इसने, ध्यान रख लीजिएगा, बाजार नियंत्रण पद्धति इसने लागू की। बाजार नियंत्रण पद्धति इसने लागू की, क्या की भैया? बाजार नियंत्रण पद्धति जो इसने लागू की, याद रख लीजिएगा, सेना को नगद वेतन देना शुरू किया, बाजार नियंत्रण पद्धति इसने लागू की। और ध्यान रख लीजिएगा, हुलिया प्रथा, यानी सैनिकों का एक हुलिया होगा, ड्रेस सिस्टम, हुलिया प्रथा, घोड़ों को साइन चिन्ह दागने की प्रथा, दाग प्रथा या दाग व्यवस्था भी इसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की। दक्षिण भारत अभियान शुरू करने वाला, दक्षिण भारत का अभियान भी इसी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलिए सारी चीज याद रख लो, ये सारी चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। 11वें सवाल के बारे में बताओ, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? अभी हमने बताया था ना, सभी लोग कमेंट करके बताओ, बाजार नियंत्रण पद्धति का मतलब है सभी को कह दिया जाता था कि इस रेट से ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते, एक फिक्स रेट उसने कर दिया था, व्यापारियों को भी बोल दिया था कोई ज्यादा कम बढ़ती नहीं ले सकता, जो मतलब जो पैसा है उसको लेकर के थोड़ा उसने काम किया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, बोलो, सभी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये शुरू किया गया था, नोट कर लीजिएगा। 12वें सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ऑप्शन को पढ़ो और जवाब दो, ऑप्शन को पढ़ो सभी लोग और जवाब दो। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, बोलो भैया, सभी लोग, सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया? तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए, ये बात सही है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मंगोल आक्रमण को विफल किसने किया, मंगोल आक्रमण को विफल किसने कर दिया, तो मंगोल आक्रमण को याद रखिएगा, विफल भी किसने कर दिया? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने भैया? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने किया, याद रखिएगा। जब इसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था, तब अलाउद्दीन खिलजी एक सेना नायक के रूप में काम कर रहा था उसके नीचे, तब याद रखना, इसी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। और इसके समय पे बाद में 2000 जो मंगोल थे, 2000 मंगोल थे वो भारत में, उन्होंने हार स्वीकार की और उन्होंने फिर इस्लाम धर्म स्वीकार किया। जो 2000 मंगोल सैनिक थे उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। उसके लिए याद रख लीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक अलग से दिल्ली के बगल में एक नया नगर बसाया गया, जिसको हम आज क्या कहते हैं भैया, मंगोलपुरी जिसको कहते हैं, याद रख लीजिएगा। उसके लिए एक नया शहर भी उसने बताया था, मुगलपुर, क्या मुगलपुर एक नया शहर बसाया था, जिसको आज हम दिल्ली की जो मंगोलपुरी कहते हैं, दिल्ली की जो मंगोलपुरी कहते हैं, उसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे की गई थी ना। 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था तब इनके रहने के लिए, और इन्हीं जो 2000 मंगोल जो इस्लाम धर्म स्वीकार करके मुसलमान बन चुके थे, इन्हीं को कहा गया था नवीन मुसलमान। इन्हीं को क्या कहा गया था भैया? इन्हीं को कहा गया था भैया नवीन मुसलमान कहा गया था। क्या कहा गया था इनको? इन्हीं को कहा गया था नवीन मुसलमान कहा गया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप सभी के? परफेक्ट, हाँ अनुपम सर, क्लियर, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया। एक एक चीज को ढंग से समझना है भैया। 13वें सवाल का जवाब दो, अब 13वें सवाल का जवाब दो। क्लास कब खत्म होगी बताओ? क्लास आप कहोगे तभी खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते ना, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, है ना?
आज संडे का दिन भी है, नवरात्रि भी है, एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी भैया, है ना। समझ रहे, एकदम बढ़िया तंगड़े तरीके से पढ़ेंगे आज, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, पानी भी खत्म हो गया, पानी की भी बोल देते हैं सब, पानी भी आ जाए, है ना। पानी भी खत्म हो गया सब, बैठे बैठे देख रहे हो। अरे बाप रे बाप, एक मिनट रुकना दोस्तों, हमारी लाइब्रेरी में पानी भी खत्म हो लिया। चलिए भैया, है ना, आगे चलेंगे। तो 13वें सवाल का जवाब दो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहां पर कह रहा है भैया, क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से प्रचालित थी। बिल्कुल, वो चाहता था कि सैनिकों को ठीक ठाक रेट में सारी चीजें मिले। सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तु दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे, इसलिए उसने काम किया था। तो ए इसका सही उत्तर है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का क्या हो जाएगा, सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। आर ए का क्या हो जाएगा, सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। मेरा रिप्लाई कभी नहीं देते हैं सर, ये छोटू कुमार जी का कमेंट है भैया, सॉरी छोटू कुमार जी, देख नहीं पाया होगा भैया, देख नहीं पाऊंगा भैया, ठीक है भैया। चलिए, इतनी सारी कमेंट चलती हैं, पेड बैच लेने से कौन सा बुक मिलेगा सर, फिर कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी क्या, आप इतना सा कमेंट आपका बताओ, इसके लिए आप कह रहे हैं कि आप हम आपका कमेंट का जवाब नहीं देते। अरे भैया, सीटेट की किताब आपको भेजी जाएगी ना, बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 14वें सवाल के बारे में बताओ, रुद्रम्मा देवी किस वंश की शासिका थी। रुद्रम्मा देवी किस वंश की शासिका थी, बताओ भैया, बोलो भैया। सर जब हमारे टीचर इतना मेहनत कर सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं मेहनत करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। यही तो बात है सहदेव जी, यही तो बात है मेरे भाई सहदेव, यही तो मैं भी देखना चाहता हूं, पता नहीं बच्चों को क्या समस्या आ रही है भैया, है ना। हाँ जी दीपक जी, यह क्लास एस्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो रुद्रम्मा देवी किस वंश की शासिका थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकतीय वंश की रानी थी। किसकी थी भैया, रुद्रम्मा देवी किस वंश की रानी थी, तो काकतीय वंश की रानी थी रुद्रम्मा देवी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, थैंक यू सरफराज अहमद जी। 15वां सवाल कह रहा है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी। मध्यकाल में जो रानी दिद्दा थी वह जो है भैया किस क्षेत्र की रानी थी, बहुत गर्मी है भाई। तो मध्यकाल में जो रानी दिद्दा थी वो किस क्षेत्र की शासिका थी, तो हमने आपको बताया था भैया वो कश्मीर की शासिका थी। किसकी थी भैया, वो कश्मीर की शासिका थी। तो रानी दिद्दा किसकी शासिका थी, कश्मीर की शासिका थी। अब चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अब सारी चीजें समझ में आ रही है क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है। जब एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे बात करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करना। अब समझना, उसी चल रहा है वो दक्षिण भारत चल रहा है, उसी दक्षिण भारत में जो मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र हुआ करते थे, तो उनको थोड़ा समझना। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी एक उदाहरण है, कौन सा, तंजावुर, कौन सा तंजावुर, तंजावुर वही है जो तमिलनाडु के तंजावुर में ही राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। सर मुझे पेड बैच लेना है, सुमन शुक्ला जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाओ और वहां पर कूपन कोड लगा देना मेरा अनुपम, ANUPM, इससे आपका, इससे क्या हो जाएगा भैया, कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा, समझो। मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर नगर क्या है भैया, मंदिर नगर है नगरीकरण का, यानी के मंदिरों के नजदीक जब लोग रहने लगे तो वहां पे नगर बस गए, तो उन क्षेत्रों को कहा गया मंदिर नगर, और उनमें से एक था हमारा तंजावुर। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं भाई। समाज बढ़िया होगा, मंदिर बढ़िया होंगे, अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी, मंदिरों में भी दान खूब आएगा भैया, याद रखना। शासक जितने भी थे विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, ग्रांट यानी दान देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था, पर्वोत्सव मनाए जाते थे, मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा किया करते थे। समझो इसका एक सीक्वेंस भी समझो, ध्यान रखना भैया। पहले क्या किया भैया, पहले भैया भूमि दान हो रही है भैया,
भूमि दान हो रही है, फिर उसमें मंदिर बन रहा है भैया, मंदिर के बाद फिर वहां पे नगरीकरण की व्यवस्था हो रही है, नगरीकरण के बाद वहां पे क्या हो रही है भैया, वहां पे पंडित पुरोहितों को भोजन कराया जा रहा है, पुरोहितों को भोजन कराने के बाद फिर वहां पे आते जाते जो दर्शनार्थी है, जो दर्शनार्थी है वो दर्शनार्थी भी क्या करे भैया, दर्शनार्थी वहां पे दान करके जा रहे, याद रखना। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे, जो मंदिर को संभालने वाला जो लोग होते थे मंदिर में जो डोनेट आ रहा है उसको वो साहूकारी में लगा देते, उससे ब्याज मिलता था, ब्याज को लाकर के मंदिर का विकास होता था। सने सने यानी धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार शिल्पी व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए, और जब मंदिर के आसपास बसते चले गए तो उसी को कहा गया मंदिर नगर कहा गया, जिसका एक प्रमुख एग्जाम्पल क्या है, तंजावुर। अब एक बार कमेंट करके ये बता दो कि आप यहाँ पर मंदिर नगर के कंसेप्ट को समझ चुके हो, सभी लोग एक बार यस लिखना कि हाँ सर हम लोग मंदिर नगर के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, हम लोग मंदिर नगर के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ सर हम लोग मंदिर नगर के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ चुके हैं, बता भैया। सुपर से ऊपर क्लास है अमृता सिंह जी, थैंक यू, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तंजावुर एक प्रमुख मंदिर नगर था, इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ और इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी भिलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। तो जो गुजरात में सोमनाथ है, गुजरात में जो सोमनाथ है वो भी क्या भैया मंदिर नगर का उदाहरण है, मंदिर नगर का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी भी क्या भैया वो भी मंदिर नगर का उदाहरण है, भीलसा या विदिशा भी इसको कह सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर हुए, जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम भी मंदिर नगर का उदाहरण है, तंजावुर भी मंदिर नगर का उदाहरण है, तमिलनाडु में कांचीपुरम भी मंदिर नगर का उदाहरण है, मदुरै भी मंदिर नगर का उदाहरण है, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति भी मंदिर नगर का उदाहरण है, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। हाँ जी सुमन शुक्ला जी, डिस्काउंट केवल आज जी के लिए, कल से वो बैच आपको 1200 रुपए का हो जाएगा, कूपन याद रखना मेरा लगेगा ANUPAM ऊपर अप्लाई कूपन में। तो एक बार फिर से समझो, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरै, गुजरात में सोमनाथ, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी भीलसा या विदिशा, और याद रख लीजिएगा इसके अलावा तमिलनाडु के तंजावुर, ये मंदिर नगर के उदाहरण है, ये मंदिर नगर के उदाहरण है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए, तीर्थ स्थल भी जो तीर्थ स्थल है वो भी नगरों के रूप में विकसित हो गए, क्योंकि लोग वहां पे जा रहे हैं तो लोग वहां पे बसने लगे, जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में याद रखना, तिरुवन्नमलाई जो तमिलनाडु में ये तीर्थ स्थल है, तिरुवन्नमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ऐसे नगरों के दो उदाहरण है। अरे इतनी नई नई चीजें सीखने से यह भी तो एक महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम याद रखना, कम से कम ऐसी चीजें तो आपको समझ में आ रही हैं, कम से कम ऐसी चीजें तो आपको समझ में आ रही, तो इन चीजों को समझो, ये कुछ नई नई चीजें तो आपको सीखने को मिल रही है ना, है ना। दूसरा, अजमेर राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया था अजमेर। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि अजमेर में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में क्या भैया, अजमेर में याद रख लीजिएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भैया, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर भैया, अजमेर में हो जाएगी, याद रखना है ना, जिसको अजमेर शरीफ कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, माफ करेगा, उल्टा गलत मैंने बता दिया, माफी चाहूंगा। शेख सलीम चिश्ती दरगाह तो फतेहपुर सीकरी में याद रखना, सेम सलीम चिश्ती की दरगाह तो फतेहपुर सीकरी में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, लेकिन जितने जो हुए हमारे संत हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, अजमेर में किसकी दरगाह है, तो अजमेर में दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसकी भैया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो याद रख लीजिएगा वो अजमेर में हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, इस बात को यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहां प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते रहते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अजय कुमार कह रहे हैं सर आप भूख लगी है, भैया आपके लिए तो बहुत आसान है ना, आपके लिए तो बहुत आसान है कि कम से कम आप अपने घर पे आराम से रोटी खा सकते हो, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमें तो देखना पड़ेगा ना चीजों को, हम तो आपके सामने लाए हैं, अब मैं आपको तो देख नहीं पा रहा आप क्या कांड कर रहे हो, तो आप तो खा सकते हो लेकिन मैं आपके सामने नहीं खा सकता, मैं आपके सामने पानी पीता हूँ तो भी बोतल दिखाई देती है ना इसी तरीके से ना। चलो क्लियर भैया, बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं भैया, जोत जलाई हनी दैया जी, क्या दिक्कत है, मोबाइल साइड में रख दीजिए। चलिए अब एक सवाल का जवाब दो, अब एक सवाल का जवाब दो, निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर नगर नहीं है इसके बारे में बताओ भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पल टाउन, निम्नलिखित में से कौन जो है वो मंदिर नगर नहीं है इसके बारे में आपको जवाब देना है, इसके बारे में आपको जवाब देना है बताओ भैया, कौन जो भैया क्या भैया मंदिर नगर नहीं है इसके बारे में आपको जवाब देना है, बोलो ठीक है भैया, जवाब दो सभी लोग इसका उत्तर। ठीक है आगे चलें बताओ, ठीक है चलो इस बात को आगे चलेंगे, इस बात को आप यहां पे समझ चुके हैं, ठीक है चलिए ठीक है। तो कह रहा है कौन सा, देखो तंजावर हमने बताया था, कांचीपुर हमने बताया था, तिरुपति हमने बताया था, लेकिन मसूलीपट्टनम ये मंदिर नगर का उदाहरण नहीं था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था भैया बताओ भैया, लुप्त मोम तकनीक जिसको हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड, मोम को पिघला करके बनाया जाता था भैया, तो घरेलू उपयोग के बर्तन निर्माण में, कांस्य मूर्तियों के निर्माण में, हथियारों के निर्माण में, प्रसादन सामग्री के निर्माण में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कांस्य मूर्तियों के निर्माण में, क्या भैया कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, क्या कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस चीज को नोट कर लेना, बोलो क्लियर क्लियर बताओ, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हाँ सर ये बात समझ में आ गया भैया, ठीक है भैया चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, आगे चले भैया आगे चले बताओ भैया, ठीक है चलो आगे बात करेंगे ना, ठीक है दूसरी बात, अब यहां पे समझो एक नई चीज को समझो, अब यहां पे क्या समझना है, अब आपको यहां पे नई चीज समझनी है, क्या नई चीज समझनी है याद रखना, एक कंसेप्ट होता है नयनार और अलवार संतों का, किसका, नयनार और अलवार संतों का एक कंसेप्ट होता है कि कुल मिलाकर के 63 नयनार संत थे, नयनार संतों की संख्या कितनी है, तो नयनार संतों की संख्या हो जाएगी 63, याद रख लीजिएगा, नयनार संतों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया 63 हो जाएगी, जो ज्यादातर नॉर्मल जाति से जिसमें कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे उनमें, यानी जो नयनार संत थे याद रख लीजिएगा, और वो क्या थे भैया अनेक जातियों से, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, नयनार वो थे जो शिव की पूजा करते थे मेरे ख्याल से, है ना शायद, नयनार कौन थे भैया याद रखना, नयनार शायद मेरे ख्याल से वो थे जो क्या करते थे भैया, जो शिव की पूजा करते थे, है ना, यानी जो शैव धर्म आया था याद रखना, जो शैव धर्म था उस शैव धर्म में याद रखना, एक मिनट में भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूं इसमें कहीं गलत ना आपको बता दिया जाए, कहां है भैया शैव धर्म, शैव और वैष्णव धर्म,
है ना, मतलब जो नयनार हुए, जो 63 नयनार हुए हैं वो शिव को मानते थे। किसको मानते थे? वो शिव को मानते थे, है ना। हाँ, नयनार कौन थे? तो नयनार थे जो शिव को मानते थे। किसको मानते थे भैया? शिव को मानते थे, शिव की पूजा करते थे, शिव को मानते थे। जबकि अलवार कौन थे भैया? जबकि अलवार थे जो विष्णु जी को मानते थे, जो विष्णु जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। यानी अलवार संतों ने जिस धर्म को सपोर्ट किया वो धर्म था वैष्णव धर्म। कौन सा? वैष्णव धर्म। और जिसी को हम क्या बोलते हैं? भागवत धर्म बोलते हैं, वैष्णव धर्म। या जिसको हम क्या बोल देते हैं? भागवत धर्म बोल देते हैं, शैव धर्म। और नयनारों ने जिस धर्म को प्रमोट किया वो धर्म कौन सा था? वो धर्म था शैव धर्म, याद रख लीजिएगा। तो नयनारों की संख्या 63 है। नयनारों में जो बहुत प्रसिद्ध नयनार हुए, जो नयनारों में जो बहुत प्रसिद्ध हुए उनका नाम था अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिवक्क सागर। क्या? मणिक व सागर, मणिक व सागर। तो मणिक व सागर, अपार, सबंदर, सुंदरार, ये कुछ प्रसिद्ध हुए हैं, ये कुछ प्रसिद्ध हुए। टोटल कितने? टोटल हुए 63 हुए। टोटल कितने हुए भैया? टोटल जो है भैया 63 हुए, याद रख लीजिएगा। अपार, सबंदर, सुंदरार, है ना, और मणिक व सागर भी हुए, याद रख लीजिएगा। इसमें एक सुंदर मूर्ति भी हुए, एक त्रु ज्ञान भी हुए, आप लिखना चाहे तो लिख लो। इसमें एक सुंदर मूर्ति भी हुए। कौन? सुंदर मूर्ति। कौन हुए? सुंदर मूर्ति एक हुए, इसमें त्रु ज्ञान हुए। कौन? त्रु ज्ञान भी हुए हैं, याद रख लीजिएगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आए कि सर ये बताओ नयनार संत कौन से थे? तो नयनार संत वे संत थे जो शिव को मानते थे, शिव की पूजा करते थे, जो शैव धर्म के फॉलोअर्स थे, जो विभिन्न विभिन्न जातियों से थे, जिनमें कामगार जाति, किसान जाति से थे। उन 63 में से जो प्रसिद्ध नाम है, तुरुज्ञान है, सिंदर मूर्ति है, मणिक वासागार है, इनमें अपार है, सबंदर है, सुंदरार है। और ये क्या करते थे? गीतों का संकलन करते थे, देवी देवताओं की उपासना करते थे। इनके गीतों के दो संकलन है, तेवरम और, याद रख लीजिएगा, तिरुवाचकम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तिरुवाचकम और तेवरम। तो तेवरम और तिरुवाचकम क्या भैया बताओ? तेवरम और तिरुवाचकम क्या बताओ भैया? तो तेवरम और तिरुवाचकम याद रख लीजिएगा, जो गीतों का संकलन है। गीतों का संकलन है किसका? नयनार संतों का। अलवार संतों की संख्या 12 हुई थी और वे विभिन्न विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। जैसे नयनार आए हैं, उनमें जो प्रसिद्ध अलवार हुए पेरी अलवार थे, याद रख लीजिएगा। और उनकी एक पुत्री हुई थी जिनका नाम था आंडाल, है ना। एकमात्र महिला अलवार संत हुई है जिनका नाम है आंडाल, जो पेरी अलवार की पुत्री हुई है। किसकी हुई है? जो पेरी अलवार की पुत्री हुई है। इस बात को याद रखना, इस बात को समझ लेना। तोंडर डिपोडी, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार भी हुए हैं। उनके गीत दिव्य प्रबंधम के नाम से संकलित हैं। उनके गीत किस नाम से संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम के नाम से संकलित हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया? बताओ, क्लियर है भैया? समझ में आ गया कि नहीं? अगर इतना बढ़िया कंटेंट पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लिख के दे रहा हूं भैया, है ना, तो थोड़ा समझ लो। तो जो अलवार संत थे उनके जो गीतों का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है, याद रख लीजिएगा राजेश। और जो नयनार संत है उनके गीतों का संकलन तेवरम और तिरुवाचकम के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, एक और याद रखना यहाँ पे भैया, एक और बात क्या है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। किसके थे? भगवान विट्ठल के उपासक थे। और विट्ठल जी को विष्णु का ही रूप माना गया है, इनको विष्णु जी का ही रूप माना गया, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ये किस राज्य से संबंध रखते थे, तो ये याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, याद रख लीजिएगा। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। किसको? वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंडरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। पंडरपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। तो वारकारी संप्रदाय कहां है भैया, ये बताओ? अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है भैया कि वारकारी संप्रदाय किसे कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों,
सर आपका नेम अनुपम है? जी हाँ जी, हमारा नाम अनुपम भारद्वाज है जी। ठीक है भैया, चलिए तो याद रख लीजिएगा। तो याद रखना, वारकारी संप्रदाय भगवान विट्ठल के जो उपासक हैं, विट्ठल जो विष्णु जी के अवतार हैं उनके जो उपासक हैं, उन्होंने एक नया संप्रदाय शुरू हुआ जिसका नाम है भैया वारकारी संप्रदाय। क्या भैया? वारकारी संप्रदाय याद रखना, और वो महाराष्ट्र के पंढरपुर से शुरू हुआ याद रख लीजिएगा। और इनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? ज्ञानेश्वर शामिल थे, नामदेव शामिल थे, एकनाथ शामिल थे और तुकाराम शामिल थे। याद रखना ये वैष्णव संत हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक पूछा जाता है कि खानकाह किसे कहते हैं? तो सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते थे, तो सूफी संतों के रहने की जगह को क्या कहते थे? खानकाह कहते थे। याद रखना, सूफी संतों के रहने की जगह को क्या कहते थे भैया? खानकाह कहते थे। पेपर में कई बार पूछा गया, इस बात को याद रखना। चैतन्य देव का नाम जानते होंगे? चैतन्य देव 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत थे, रख लीजिएगा। चैतन्य देव, इन्हीं का नाम क्या भी है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की बड़ी उपासक थे, चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल से संबंध रखते थे, पेपर में पूछा गया। चैतन्य महाप्रभु कहां से थे? बंगाल क्षेत्र से थे। कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया, राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों को एक समूह का आनंद नाचते गाते हुए देख सकते। एक चित्र था एनसीईआरटी में जो शायद मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। चलिए तो याद रखना, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आगे अगर चलेंगे थोड़ा समझना, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। जो भक्ति संत थे, भगवान की उपासना करते थे भक्ति भाव से, तो उसमें भी इनका एक योगदान था। बंगाल के जयदेव, तो बंगाल के कौन है भैया? बंगाल के एक है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की कहां से भैया? बंगाल से। और बंगाल से कौन है? जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। पेपर में भी पूछा जाता है भैया ये कि गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी और संस्कृत में की गई थी, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन प्रसंतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन अभंग का प्रयोग था, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो गीत गोविंद ने जिस मत गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अच्छा, बाबा गुरु नानक, जो नजदीक से एक नजर एनसीईआरटी में दे रखा है, बाबा गुरु नानक के बारे में यह भी पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और इनका निधन हुआ था 1539 में, पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बाबा गुरु नानक ध्यान रख लीजिएगा, ये जो हमारा, और इन्होंने अपना धर्म शुरू किया जो इसको गुरुद्वारा हम कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, है ना, जो सिख धर्म है, तो सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। मतलब जो सिख धर्म है, याद रखना, जो सिख धर्म है उसकी शुरुआत भी बाबा नानक के द्वारा की गई थी। इनको ननकाना साहिब भी कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, है ना। वहां जगह भी है करतारपुर, रावी नदी के तट पर, डेरा बाबा नामक, मतलब वहां पे, है ना, बाद में ध्यान रखिएगा। जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा में केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में, याद रख लीजिएगा, एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। जो इनके फॉलोवर्स हुए गुरु नानक के, उन्होंने करतारपुर में और एक उपासना पद्धति अपनाई और उसमें भजन वगैरह होते थे या उनकी सारी चीजों को करते थे। बाद में उन्होंने वहां पर बैठने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, साथ में इसको लंगर कहा गया, ध्यान रख लीजिएगा। बाद में जिस जगह पर वो धार्मिक कार्य करते थे उसे धर्मशाल कहा गया। क्या कहा गया? धर्मशाल कहा गया, जिसको आज गुरुद्वारा कहते हैं। तो आज जो गुरुद्वारा होता है, याद रख लीजिएगा, गुरुद्वारा को पहले नाम क्या होता था? धर्मशाल होता था। क्या होता था? धर्मशाल होता था, याद रख लीजिएगा। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर चुना, जिनका नाम लहना था, जिनको आज गुरु अंगद कहते हैं। तो गुरु नानक के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, इनका नाम क्या था? गुरु अंगद हुआ। क्या हुआ? गुरु अंगद हुआ, जिनका वास्तविक नाम क्या था भैया? लहना, इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। तो यहां से आपके सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है भैया, बताओ। यहां से आपके सीटेट के पेपर में ये बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। ठीक है भाई, तब बताओ, बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो, यहां से सवाल अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा, दूसरे सवाल का जवाब दो। नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया?
तो उन्होंने जो धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था अलवार और नैनार संतों ने, वो किस जगह पर किया था? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में? कब किया था बताओ भैया? नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या उत्तर पश्चिम भारत? या उत्तर पश्चिम भारत बताओ भैया? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, दक्षिण भारत में उन्होंने शुरू किया था। कहां पर? दक्षिण भारत में शुरू किया था। अलवार और नैनार के बारे में बता दिया, नैनारों की संख्या 63 है, अलवारों की संख्या 12 है। नैनार शिव को मानते हैं, अलवार विष्णु को मानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, कितना बढ़िया प्रश्न है। तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है बताओ भैया? तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों के संकलन है? किनके गीतों का संकलन है बताओ भैया? तेवरम और तिरुवाचकम, बताओ भैया? लल्लन टॉप क्लास चल रहा है, थैंक यू जी। तो हमने क्या कहा, तेवरम और जो तिरुवाचक है वो नैनार संतों के भक्ति गीत हैं, है ना, जबकि अलवार संतों के क्या भैया? देव प्रबंधकम, जिसके बारे में बताया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, छठवें सवाल के बारे में बताइए, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है बताओ भैया? अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं? दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं, तेवरम में संकलित हैं, साहित्य लहरी में या पंचवाणी में? बताइए भैया। नवरात्रि की शुभकामनाएं, थैंक यू आप सभी को भी। तो ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी अलवार संत हुए, अलवार संतों के गीत जो है वो किसमें संकलित हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, वो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। किसमें भैया? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। किसमें संकलित है भैया? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बताओ भैया, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे भैया। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। सातवें सवाल का जवाब दो, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? जितने भी दोस्त नए नए जुड़ते जा रहे भैया, सभी सेशन को लाइक जरूर करना मेरे प्यारे साथियों, और इस चैनल को क्या करना भैया? इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। और जो मेरी क्लास चलती है वो रोजाना शाम 4 बजे चलती है। कब चलती है भैया? रोजाना शाम 4 बजे चलती है भैया, याद रखना, रोजाना शाम 4 बजे चलती है, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का जवाब दो, बताओ इस प्रश्न का जवाब दो भैया, ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? द्वैतवाद के थे, विशिष्टा द्वैतवाद के थे, अद्वैतवाद के थे, या द्वैता द्वैतवाद? इनको अलग से पढ़ा दूंगा किसी दिन, लेकिन याद रखना शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकराचार्य ने, ध्यान रख लीजिएगा, 13 उपनिषदों पर टीका लिखा था। क्या? इन्होंने 13 उपनिषदों पर टीका लिखा था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 13 पर नहीं 12 पर लिखा था, तो अब 12 और 13 दोनों समझे। 13 उपनिषदों पर इन्होंने टीका लिखा था। तो कुल उपनिषद कितने भैया? कुल उपनिषद 108 हैं। कुल उपनिषद कितने? 108 हैं। लेकिन गुरु शंकराचार्य ने 12 और 13 उपनिषदों पर टीका लिखा था, इसलिए प्रमाणिक उपनिषद जो है वो 12 या 13 ही माने जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए, दिमाग हैंग हो रहा है अब डिंपल ठाकुर जी, या बाकी के सभी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, 2-2.5 घंटे पढ़ने में आपका दिमाग अगर हैंग हो रहा है भैया, तो सोच के देखो, इस कंटेंट को बनाने के लिए तो मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत की है। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन सी चीजें स्लाइड लगानी है, इन सब चीजों को करने में मुझे 10 से 12 घंटे लगे हैं, तब जाके चीजें बनी। और आप कह रहे हैं कि आपका दिमाग हैंग हो गया अभी से, हैं? तो कैसे काम चलेगा बाबा? ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर क्लियर है? तो चीजों को थोड़ा सा समझिए, इनको पढ़िए, बहुत आगे काम देगी। तो इस प्रश्न को याद रखना कि शंकराचार्य का जो मत क्या था भैया? अद्वैतवाद था। शंकराचार्य का मत क्या था भैया? अद्वैतवाद था, याद रख लीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत आसानी से बन गया? नहीं भैया, बहुत मुश्किल से ये कंटेंट लगा भैया। तो पढ़िए, सीटेट में यही आपको पास करवाएगा, एसएसटी में 50+ नंबर अगर आपको लाने हैं तो यहीं से आएंगे। तो इनको थोड़ा समझो, इनको पढ़ो। मैं तो देखो लगातार बोल रहा हूँ, 1 सेकंड का गैप नहीं ले रहा हूं, तो मुझे परेशानी होनी चाहिए ना, है? और आप लोग बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते परेशान हो रहे हो, तो कैसे? सोचो मुझमें आप में कितना अंतर है। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहा हूं,
मेरा तो पेपर नहीं है ना, आपका तो पेपर आने वाला है, फिर भी आप पढ़ते पढ़ते थक रहे हो। अब इतना कहीं महत्वपूर्ण काम नहीं है कि अंबानी के साथ में आपकी मीटिंग तो है नहीं जो आपके पास टाइम नहीं है। अरे कुछ महिलाएं घर का काम और करना है तो मोबाइल को साइड में लगा दो, चलने दो उसको, वीडियो कुछ तो सुनाई देगा। क्लियर क्लियर है? तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो अद्वैतवाद के बारे में क्या बताया था, गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, ध्यान रख लीजिएगा। और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद अद्वैतवाद गुरु शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। क्या चलने दीजिए सर, बहुत बढ़िया। तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद की शुरुआत की गई थी, किसकी भैया? विशिष्टाद्वैतवाद की शुरुआत की गई थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दसवें प्रश्न का जवाब दो। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां भी संत हुई हैं, बताइया। आपके चेला हूं, नहीं ठाकूंगा। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल थकना नहीं है साहब, पढ़ते रहिए जी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, बताओ कहां से संबंध रखते थे ये? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? तो हमने आपको बताया था ये लोग महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंध रखते, महाराष्ट्र थे, और महाराष्ट्र का जो पंडरपुर है वहीं विट्ठल स्वामी की पूजा होती है, और विट्ठल स्वामी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, तो वहीं से एक नया संप्रदाय भी शुरू हुआ, वारकारी संप्रदाय। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप सभी के, है ना? चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी के? परफेक्ट, यस कमेंट कर दो एक बार, यस कमेंट कर दो सभी लोग अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ जी सर, मजा आ जाएगा एकदम से। चलो भैया अगले सवाल का जवाब देंगे। देखो बारहवां सवाल कितना बढ़िया है, पढ़ो भैया बारहवां सवाल कितना बढ़िया है, इस बारहवें सवाल का जवाब दो। गांधी जी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किस संत ने लिखा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन विष्णु का उपासक तो उसको कहिए पीर पराई, दूसरे का दर्द समझ सके उसको जाने, तो किसने लिखा? ज्ञानेश्वर ने, नामदेव ने, नरसिंह मेहता ने, या अल्लमा प्रभु ने? या अल्लमा प्रभु ने, बताओ भैया। बहुत बढ़िया, आप जितना आपको पढ़ाने पढ़ाओ, यही जज्बा, बहुत बढ़िया भैया, यही जुनून, यही जज्बा रहा तो मंजिलों का, कैसे कहते, एक शेर भी है ना भैया इस तरीके से ना, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, एक एक साथ शेर भी याद आ गया, उसको देखता हूं गूगल पे सर्च करता हूं। यही जुनून, यही जज्बा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो मेरे दोस्तों ये मेहनत करने का समय, जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, समझ नहीं समझ रहे? तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए भैया, लगातार मेहनत करते रहिए। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिए कि किसके द्वारा लिखा गया ये, तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। चलिए पंद्रहवें सवाल के बारे में बताइए भैया, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? धनी व्यापारी लोग थे, विद्वान लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, या प्रशासनिक अधिकारी थे? इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? इस्लाम के अंतर्गत भैया उलेमा कौन थे? आपसे पढ़ के 40 आए थे सर, इस बार 55 लगाना है, जरूर आएगा, 100% आएगा मेरी बहन, लगातार मेहनत करते रहो। तो इस्लाम के अंतर्गत जो उलेमा लोग मानते हैं, वो विद्वान लोग जो होते हैं,
उन्हीं को उलेमा कहते हैं। इन्हीं विद्वानों में से जब नमाज पढ़ी जाती है तब इमाम बनाया जाता है, जो नेता होता है, जो जितने भी नमाजी होते हैं उन नमाजी में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको इमाम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, जिसको क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। 19वें सवाल को जवाब दो, कितना बढ़िया सवाल है 19वें प्रश्न का जवाब दो भैया। सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है? सूफी संतों का निवास स्थान, एक विशेष प्रकार का वस्त्र, गुरु को दी जाने वाली उपाधि या पूजा स्थान। सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या भैया बताओ? सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है? तो हमने आपको बताया था खान क्या क्या है, जो सूफी संतों का जो निवास स्थान है उसको हम क्या कहते हैं, खानकाह कहते हैं भैया। ठीक है, जो सूफी संतों का जो निवास स्थान है उसको हम क्या कहते हैं भैया, खानकाह कहते हैं। क्लास कब तक चलेगी भैया? तो याद रखना, देखो भैया आपको बता दे रहा हूं भैया, क्लास आपकी कब तक चलेगी भैया, याद रखना है ना। तो क्लास आपकी चलेगी कब तक चलेगी भैया? ओके ओके ओके, है ना। कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं, कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं, और जैसे ही वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा सो ही हम क्या कर लेंगे भैया, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे ताकि आप सभी लोग भी ढंग से उसको देख सकेंगे, है ना। तो क्लास आपकी एंड होगी भैया कब? हो जब 1500 लाइक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? 1500 लाइक हो जाएंगे। अभी कितने भैया? अभी 1.4K यानी 1400 लाइक है। अभी लाइक की संख्या कितनी है? 1400। जैसे ही ये 1500 प्लस लाइक हो जाएंगे, 1500 प्लस लाइक हो जाएंगे, हम क्लास को बंद कर देंगे, है ना भैया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो 1500 लाइक कर दो तो क्लास बंद कर देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? इन विच लैंग्वेज डिड तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस? तो रामचरितमानस की जो है भैया रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में की है, संस्कृत भाषा में की है, अवधी भाषा में की है, या मैथिली भाषा में की है? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में, अवधी भाषा में, या मैथिली भाषा में? बताए भैया। तो तुलसीदास ने किस में की है भैया? अवधी भाषा में, याद रखना। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कितने की है भैया? अवधी भाषा में की है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो उन्होंने अवधी भाषा में की। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए 29 कह रहा है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन? हु वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे भैया बताओ? गुरु नानक के, सभी लोग लाइक की संख्या को 1500 प्लस कर दो तो भैया फिर क्लास ऑफ कर देंगे भैया, इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है भैया, गुरु नानक के भैया उद्धार जी करें, जो जो लाइक नहीं किए लाइक कर दो। हाँ जी भैया, तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, या गुरु अंगद? तो हमने क्या कहा था, गुरु अंगद, जिनका दूसरा नाम क्या भैया, लहना, जिनका दूसरा नाम है वो कौन हुआ? गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुए। कौन हुए? गुरु नानक के वे उत्तराधिकारी हुए, याद रख लीजिएगा। कौन हुए? गुरु नानक के उत्तराधिकारी हुए। कुछ लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं भैया, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया वो क्या कर दो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो भैया? चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है भैया आपसे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी भैया? खालसा, हु फाउंडेड दी खालसा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बताओ भैया? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बताओ भैया? ठीक है भैया, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में आपको जवाब देना है भैया। बोलो, आप सभी के कमेंट को मैं देख रहा हूँ। खालसा पंथ की स्थापना, तो याद रखना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह, या गुरु अर्जुन देव? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह महाराज के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी भैया? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगले सवाल का याद रख लीजिएगा भैया। 34वां प्रश्न क्या कर रहा है, अमृतसर शहर, अमृतसर शहर का नाम जिस सरोवर के नाम पर पड़ा
पड़ा है, निर्माण किसने किया था उसका, जो अमृतसर शहर है उसका नाम एक सरोवर के नाम पे पड़ा हुआ, याद रखना। तो उस सरोवर का नाम किसके नाम पे पड़ा है, गुरु रामदास के नाम पे, गुरु अर्जुन देव के नाम पे, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, या गुरु नानक के पे, बताओ भैया। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा बताएंगे। तो हमने आपको क्या बताया था भैया, गुरु रामदास के ने, गुरु रामदास ने उस सरोवर का निर्माण करवाया था। किसने भैया, गुरु रामदास ने उस सरोवर का निर्माण करवाया था, याद रख लीजिएगा। गुरु रामदास ने क्या किया था, उस सरोवर का निर्माण किया था, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल का जवाब दो, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था, गुरु अंगद कौन से भैया, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था, अकबर ने दिया था, शाहजहां ने दिया था, जहांगीर ने दिया था, या औरंगजेब ने दिया था, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। बताओ भैया, गुरु अर्जुन देव को और मृत्यु दंड जो है भैया किसके द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, बताओ भैया किसके द्वारा दिया गया था। तो हमने आपको बताया था भैया कि शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, याद रखना, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसके द्वारा दिया गया था, तो शाहजहां के द्वारा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया, चेर शासकों ने अपनी, शासकों ने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया, तमिल का प्रयोग किया, मलयालम का प्रयोग किया, देवनागरी का प्रयोग किया, या कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया, बताओ। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया, बताओ, तमिल का प्रयोग किया, मलयालम का प्रयोग किया, देवनागरी का प्रयोग किया, या कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मलयालम भाषा का प्रयोग किया, मलयालम लिपि का उपयोग किया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत धन्यवाद रूबिका खातून जी, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही पढ़ते रहो, सीटेट एसएसटी में एकदम बढ़िया नंबर आपके आएंगे। आप सभी लोग कमेंट में एक बार लिख भी सकते हो, एसएसटी भाई अनुपम सर, मजा आ जाएगा भैया, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से कमेंट करो। और एक बात बता दूं, YouTube पर भी थोड़ा कमेंट लिखा करो, YouTube पर जब मेरी वीडियो सर्च करते हो ना, तो YouTube पर भी सर्च किया करो, किस नाम से, SST भाई अनुपम सर के नाम से, तो मेरी क्लास आगे आएगी। ये आप लोग मुझे सपोर्ट इतना तो करोगे, बोलो करोगे नहीं करोगे। YouTube पर मेरी क्लास किस नाम से आपको सर्च करनी है, SST भाई अनुपम सर के नाम से सर्च करनी है, किसके नाम से सर्च करनी है, तो SST भाई अनुपम सर के नाम से आपको YouTube पर मेरी क्लासों को सर्च करना है, यस और नो में जवाब दो, है ना। चलो तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में जवाब देना है, इसके बारे में आपको जवाब देना है, बताओ भैया। ठीक है भैया, चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। क्या था इसमें, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड का आदेश किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था, चेक कर लूंगा एक बार इसको, इस प्रश्न को मैं चेक कर लूंगा, जो कमेंट कर रहे हैं अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है भैया। अभी तो दिमाग मेरा भी एकदम सिस्टम हैंग हो गया, तो एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। कह रहा है, केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति तेलुगु की रणी है, ये वाला कथन इसमें क्या हो जाएगा भैया, सही है, क्योंकि दूसरा वाला कथन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, दूसरा वाला कथन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस बात को एकदम से ध्यान से पढ़ लो, एकदम से इस बात को, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को समझ लो, ठीक है भैया, एकदम मस्ती के साथ में आगे चलेंगे भैया। तीसरे सवाल का जवाब दो, मणि प्रवालम क्या है, मणि प्रवालम क्या है, व्हाट इज मणि प्रवालम, मणि प्रवालम क्या है, याद रख लीजिएगा, नृत्य शैली है, निर्माण कार्य शैली है, चित्रकला शैली है, या भाषा शैली है, मणि प्रवालम शैली क्या है भैया, बताओ, मणि प्रवालम क्या है भैया। तो हमने आपको बताया था, मैं एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ाया हूं भैया,
मणिप्रवालम एक भाषा शैली है, मणिप्रवालम क्या भी है, एक भाषा शैली है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, इसको पढ़ लीजिएगा भैया, ठीक है। गुरुजी आप तो महान हो, नहीं ऐसा नहीं है मैम, आप सभी लोग बढ़िया इतना सपोर्ट करते हो, मैं देख रहा हूँ आपकी कमेंट शुरुआत से और लास्ट तक आप सभी लोग जुड़े हुए, तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है, और जो शुरुआत से अब तक मेरी वीडियो को लाइव देख रहे हो उनको मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ भैया इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन रेगुलर भी आप मेरी क्लास में आया करो, रेगुलर मेरी क्लास शाम को 4 बजे चलती है, रेगुलर मेरी क्लास शाम को 4 बजे चलती है, यूट्यूब पर सर्च करो SST भाई अनुपम सर, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करेंगे, अगले सवाल को समझने की कोशिश करना। चौथा प्रश्न कह रहा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया बताओ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, या उड़ीसा में स्थित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है याद रखना, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर याद रखना उड़ीसा के पुरी में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और उनकी बहन, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है भैया, उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है भैया, उड़ीसा में हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए पांचवा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, आज भी जगन्नाथ की कास्ट प्रतिमा यानी लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, क्या ये बात सही है। वहां पर जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है उड़ीसा के पुरी में, अभी कुछ समय पहले निकाली गई थी, ठीक है भैया। तो ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है भैया, ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, आज भी जगन्नाथ की प्रतिमा कास्ट प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, एक और दो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। सातवां सवाल कह रहा है राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट लोग कौन है भैया बताओ, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट लोग कौन है, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग हैं, या योद्धा लोग हैं बताओ भैया, या योद्धा लोग हैं बताओ भैया। तो राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग हैं, या योद्धा लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग हो जाएंगे, कहानी काव्य एवं गीत गाने वाले लोग हो जाएंगे भैया, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है भैया, इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिएगा, है ना भैया। अब आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, अब आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर चाय पी लीजिए, तो एक बार भाई श्रीमती जी से रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं वो क्या कह रही है भैया, भाई फोन कर लेते हैं, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है भैया चाय बना के दे देंगे, शादीशुदा आदमी की जिंदगी तो आपको पता है खराब होती है भैया, बीवी की बात माननी पड़ती है, जो बीवी कहेगी सो बात माननी पड़ेगी, है। चलो भैया तो क्या उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां सवाल क्या कह रहा है, कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी हुई है, कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भैया और उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी हुई है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। तो कौन सी नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी हुई है, उत्तर भारत के भूभाग से कौन सी जुड़ी हुई है, तो उत्तर भारत में विशेष तौर से क्या होता है भैया, कथक शैली होती है, ध्यान रख लीजिएगा, और लखनऊ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकसित हुई, लखनऊ के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का भी इसमें अच्छा खासा योगदान है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ, याद रखना चित्रकला की, ऐसे प्रश्न भी सीटेट में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है भैया। चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, या हिमाचल में हुआ, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ बताओ भैया, चित्रकला की बसोहली शैली, इन चीजों को याद भी करते रहना है कि भैया चित्रकला की बसोहली शैली का विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो चित्रकला की बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ भैया, हिमाचल प्रदेश में हुआ, याद रख लीजिएगा, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ भैया, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इन चीजों को याद रख लीजिएगा, इन चीजों को यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, चित्रकला की कांगड़ा शैली
किससे संबंधित है? बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में हुआ, याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भैया के चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है, चित्रकला की कांगड़ा शैली राजपूत चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, मुगल कालीन चित्रकला या ताड़ चित्रकला, किससे संबंधित है बताओ भैया, किससे संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है भैया। तो बसोहली शैली तो हिमाचल प्रदेश से है, लेकिन अगर बात करेंगे कांगड़ा शैली तो ये पहाड़ी लघु चित्रकला है, पहाड़ी लघु चित्रकला। याद करते चलो भैया, है ना, याद करते चलो। सर मैं रोज आपकी क्लास देखती हूँ, तो दिसंबर तक मेरी क्लास देख लो, अगर SST में 50+ नंबर ना आ जाए तो आप कह देना भैया, है ना। तो एकदम से ढंग से इन चीजों को पढ़ो भैया, ठीक है भैया। चलो आगे बात करेंगे, चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांगड़ा शैली तो हमने बताया था ना, पहाड़ी लघु चित्रकला है, कांगड़ा शैली पहाड़ी लघु चित्रकला है, तो इसके बारे में अब आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन पढ़िए जरा, 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा शैली के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की तथा उनकी प्रेरणा के स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। कांगड़ा शैली की विशेषताएं ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण, ये NCERT में दे रखा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे, दोनों कथन इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहां से इसको ले लीजिएगा, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, 18वां सवाल कह रहा है, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है बताओ भैया, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है, इनके बारे में आपको जवाब देना है। बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, उर्दू से हुआ है, फारसी से हुआ है या जनजातीय भाषाओं से हुआ है? तो आपको पता है इसका उद्भव हुआ है संस्कृत से, तो बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बड़े जी हाँ, PDF में आंसर शीट भी डाल देंगे। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है? आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन भाषाओं का योगदान रहा है बताओ भैया। भाई बंगाली भाषा संस्कृत से शुरू हुई है, लेकिन जो आधुनिक बंगाली भाषा है उनमें कौन कौन सी भाषाओं का योगदान है? नंबर एक संस्कृत, नंबर दो फारसी, नंबर तीन जनजातीय भाषा या नंबर चार यूरोपीय भाषा, बताओ कौन कौन सी भाषा हुई है भैया, बताओ इनके बारे में। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो भैया, एकदम बढ़िया बताओ। तो याद रख लीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी जो आधुनिक बंगाली भाषा है उसमें संस्कृत, फारसी, बाकी जनजातीय भाषा और यूरोपीय भाषा, चार भाषाओं का योगदान है। चार भाषाओं का क्या भैया? योगदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? चार भाषाओं का क्या हो जाएगा भैया? योगदान हो जाएगा। इस बात को समझ लेना, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है भैया। चलो आगे चलेंगे, तो आधुनिक बंगाली भाषा में ये हो जाएगा। अगले सवाल का जवाब दो, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है बताओ भैया। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? बिहार, बंगाल, तमिलनाडु या असम? तो मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है बताओ भैया, किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और असम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल। तो मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? सही उत्तर हो जाएगा बंगाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिए। कुछ और भी प्रश्न है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से? ये स्थापत्य कला शैली अभी क्या है? ये स्थापत्य कला शैली, दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा बताओ भैया। दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से, बंगाल से? तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल से हो जाएगा। किस से हो जाएगा?
बंगाल से हो जाएगा। तो दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा बंगाल क्षेत्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भैया, बंगाल क्षेत्र से हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। चलो छठवें सवाल का जवाब दो। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? बताओ भैया, बंदा बहादुर सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में, रावी व्यास नदियों के बीच के क्षेत्र में, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र में, झेलम और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र में? बताओ, झेलम और सर क्लास ऑफ कब होगी? विवान मलिक, अब आप कह रहे हैं तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे ये बच्चे लाइक की संख्या 1500 कर देंगे, क्या जैसे ही लाइक की संख्या 1500 हो जाएगी भैया, सो ही हम क्लास ऑफ कर देंगे। समझ रहे हैं, सो ही हम क्या कर देंगे भैया, क्लास ऑफ कर देंगे भैया, बस है ना। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा। तो सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में इसने की थी, कहाँ की थी भैया, सतलज यमुना के बीच के क्षेत्र में बंदा बहादुर ने और भैया जो है अपने प्रशासन की स्थापना की थी, अपने प्रशासन की स्थापना की थी, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया, इस बात को याद रख लीजिएगा। सिखों में जो सिख नेता बंदा बहादुर हैं, विवान मलिक, एक बात याद रखना मेरे भाई, इसी में पूछा भी जाता है, सिखों से संबंधित मिस्र लोग कौन थे सिखों से संबंधित? तो याद रख लीजिएगा, योद्धाओं का एक समूह होता था सिखों में, जिसको मिस्र कहा जाता था। शायद इससे जुड़ा हुआ सवाल आगे हो भी सकता है। देखो, है मैंने लगाया था सवाल कि सिखों से संबंधित मिस्र क्या थे, सिखों से संबंधित बताओ भैया मिस्र क्या थे भैया। तो हमने आपको क्या बताया भैया कि जो है भैया सिखों से संबंधित मिस्र जो है योद्धाओं का समूह था। क्या था भैया? योद्धाओं का समूह था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सिखों से संबंधित मिस्र क्या थे? योद्धाओं का समूह था। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और बढ़िया सवालों की तरफ चलते हैं। राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? राखी व्यवस्था का संबंध किससे भैया बताओ भैया, राखी व्यवस्था का संबंध किससे बताओ भैया, राखी व्यवस्था का संबंध किससे बताओ? हाँ जी, राखी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राखी व्यवस्था का संबंध हो जाएगा सिख समाज से। राखी व्यवस्था का संबंध किससे भैया? सिख से है राखी व्यवस्था का संबंध, है ना। अभी एसी भी बंद कर दे रहा हूं इस साइड में, थोड़ी गर्माहट आएगी कमरे में, फिर क्लास को बंद कर देंगे, टेंशन मत लो, थोड़ी देर और पढ़ लो, 3 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे अगले 10 मिनट के बाद। राखी व्यवस्था का संबंध सिख क्षेत्र से हो जाएगा। 9वें सवाल का जवाब दो। सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया? सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने, है ना भैया, 1799 में और किसको अपनी राजधानी बनाया? पिंकी यादव कह रही है, सर आपके पढ़ाने के जज्बे को दिल से सलाम, कितना मुश्किल है इतनी देर तक बिना रुके पढ़ाना, वो भी खड़े होकर के। हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू, शुक्रिया पिंकी यादव। ये सब अपने विद्यार्थियों के लिए, जब मुझे लगता है ना, जिस दिन आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे खड़े होकर के ये कह दोगे कि हाँ हमने सीटेट में SST अनुपम भारद्वाज सर से पढ़ी थी, SST भाई अनुपम सर, सर मेरे 45 नंबर आ गए SST में, 50+ नंबर आ गए, तो उस चीज के लिए ये मेहनत, ऐसी और मेहनत कुर्बान है, ऐसी मैं और 10 मेहनत कर सकता हूँ और 10 मैराथन दे सकता हूँ, बस एक चीज मुझे अपने कानों से सुननी है कि आप सीटेट के पेपर में आकर के यूट्यूब पर ये बात कह दें कि हाँ सर 50+ नंबर आ गए मेरे, बस टेंशन मत लो एकदम से, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, तो याद रख लीजिएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था 1799 में। महाराजा रणजीत सिंह ने, ध्यान रख लीजिएगा, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा, इन चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10वें सवाल का जवाब दो। मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। मराठों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए भैया। शिवाजी ने एक स्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से की थी भैया। शिवाजी महाराज ने
जो एक अपने स्थायी राज्य की स्थापना की थी उन्होंने, तो वो कह रहे हैं भैया कि उन्होंने जो एक शक्तिशाली परिवार था देशमुख, उन्होंने सहायता की थी। बात सही है। मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इतिहास की अलग अलग वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, एक एक दो दो घंटे की वीडियो। जैसे एक वीडियो में मुगल खत्म कर दिया, एक वीडियो में मराठा साम्राज्य पूरा खत्म कर दिया, तो इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए क्लियर एंड क्लियर है, बताओ ये बात आपकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर, ये बात हमारी समझ में आ रही है, बता दो जल्दी से। ठीक है सर, आप साथ रहेंगे तो 50% जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली भी है ना। चलो भैया चलिए आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला देखो कितना बढ़िया सवाल है, चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किससे था? चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किससे था? मुगल से था, मराठा से था, दक्कन के सुल्तान से था, या सिखों से था? चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किससे था? चौथ और सरदेश मुखी, मुगल, मराठा, दक्कन के सुल्तान और सिख, बोलो सर। ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे ऐसे ही, एक ज्योग्राफी की मैराथन भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो चौथ और सरदेश मुखी का संबंध हो जाएगा, याद रखना, मराठाओं से था। किससे था भैया? मराठाओं से था। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किससे था? मराठाओं से था। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए ठीक है सर, अभी थोड़ा देर और पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे भी, 3 घंटे कंप्लीट हो गए, फिर क्लास को बंद कर देंगे। चलो अगले सवाल का जवाब दो। अजमेर राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अजमेर के बारे में पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है भैया, बताओ अजमेर के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है, इसके बारे में बताओ भैया। तो याद रखना 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी था, बिल्कुल था भैया, पृथ्वीराज चौहान वगैरह उनकी राजधानी भी था, है ना भैया। देखो भैया श्रीमती जी का फोन तो आ रहा है भैया, पूछ लेते हैं अगर एक चाय मिल जाए तो। श्रीमती जी बच्चे कह रहे हैं कि सर चाय पी लीजिए भैया। अच्छा आपकी मर्जी, देख लीजिए आधा कप चाय मिल जाए तो और पढ़ा देंगे हम 1 घंटे। अरे बस सुन रहे, बच्चों के सामने डांट रही है, बताइए आप, सारे बच्चे सुन रहे हैं, बताइए ठीक है। अरे लाइव चल रही है क्लास, बताइए आप, हमको ऐसे डांट रही हैं, कहाँ खत्म हो गई? देखिए लाइव चल रहे, बताइए आपके बारे में चर्चा करें, देखिए यूट्यूब पे। लो और बेइज्जती करवा लो, तुम लोग मेरी चाय पी लो सर, सुन लिया ना, ये शादी के बाद की हालत है, कह रही है दूध खत्म हो गया, देख लीजिए श्रीमती जी अगर आधा कप चाय में पिला दें तो। नहीं भैया देख लीजिए आधा कप बन जाए तो और 1 घंटा पढ़ा पाएंगे। चलिए ठीक है, हम तो पढ़ा रहे हैं भैया, आप ले आइए आधा कप चाय, देख रहे हो और बेइज्जती करवा लो मेरी तुम लोग, है ना। तुम लोग यही चाहते थे ना, तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया ना मेरी बेइज्जती करवा के, मतलब इस तरीके से सर चाय पी लो चाय पी लो। हमको तो पता था कि कहाँ से चाय पी लेंगे, हैं, करवा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून, हैं, देख लूंगा मैं तुम लोगों को किसी दिन, देख लेना ठीक है। चलिए तो कह रहा है ये बात तो सही है, मुगलों के शासन में सूबा प्रांत जो मुख्यालय बना था, ये भी सही बात है भैया, मुगलों के समय सूगा बन गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह भी यहाँ पर, 1, 2, 3 इसका सही कथन हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसका मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम क्या बोलते थे भैया, अजमेर शरीफ बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते थे भैया, इसको हम बोल देते हैं भैया अजमेर शरीफ बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भैया इसी को, इसी को हम बोल देते हैं। हाँ ठंडक मिल गई सर सच में, अच्छा देख लूंगा कोई बात नहीं बेटा, है ना। मैं भी तुमको ऐसी भगवान हे प्रभु, अगर तू इस दुनिया में, इनमें जो लोग शादीशुदा है वो तो ठीक है, नहीं शादीशुदा ना, जिन लोगों जिनको ठंडक मिली उनको ऐसी घरवाली देना, हैं, हाँ अब पता चलेगा तुमको बेटा। अरे विवान भर के रखा होगा, झूठ बोलने की आदत है, कहीं चाय ज्यादा ना मिल जाए, ठीक है। चलो डी इसका उत्तर हो जाएगा, आगे बात करेंगे। गुरुजी पॉलिटी ऐसे पढ़ा दीजिए, एक ऐसे मैराथन लूंगा पॉलिटी की भी। मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं? मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं, ठीक है भैया। अच्छा पुष्कर जी, वैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे उनकी क्लास पढ़ी है पुष्कर जी, है ना,
चलिए भैया बताइए, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं भैया बताओ। तो याद रख लीजिएगा, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द होते हैं भैया दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को, और ऐसे ही एक शब्द होता उत्तर भारत में होता था नगरम, उत्तर भारत में एक होता था जो चोल साम्राज्य में होता था, सॉरी नगरम होता था। ऐसे मणिग्रामम और नाना देशी शब्द जो हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? मणिग्रामम और नाना देशी शब्द जो हैं वो दक्षिण भारत के व्यापारी संघों के लिए होते हैं। किसके लिए? दक्षिण भारत के व्यापारी संघों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इस बात को याद रखना। सीटेट का पेड बैच कल से स्टार्ट हो रहा है भैया, याद रखना सीटेट के पेड बैच में आप सभी लोग जरूर आए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, पेड बैच में बहुत अच्छा कंटेंट होगा कल से, और ध्यान रखना बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है सीटेट के पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए। एक कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा कोड है कैपिटल ANUPM, इस कोड का इस्तेमाल करना भैया, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज डिस्काउंट चल रहा है, ₹835 का सीटेट का कोर्स है मेरे प्यारे साथियों, और इसमें SST पूरी 60 नंबर की मैं ही आपको पढ़ाऊंगा विद पेडागोजी। दो क्लास लगवाया हूं अभी से समझ लो, 12 से एक दिन में पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, 12 से एक दिन में क्या पढ़ाऊंगा भैया ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और शाम को 6 से 7 क्या पढ़ाऊंगा पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो दिन में दो क्लास है, 12 से एक ज्योग्राफी और 6 से 7 क्या भैया पॉलिटी पेड बैच में पढ़ाऊंगा। तो ये तो हो जाएगा SST 60 नंबर की, हिंदी 30 नंबर की अविरल सर पढ़ाएंगे, 30 नंबर लैंग्वेज में अगर इंग्लिश है तो दीपक सर पढ़ाएंगे, और लैंग्वेज यदि आपकी संस्कृत है तो संजय सर आपको पढ़ाएंगे, और 30 नंबर की CDP में अजय खरब सर पढ़ाएंगे। इतना बढ़िया टीम है भैया, टॉप टीचर है इंडिया के, ये सब आपको पढ़ाएंगे। मात्र पेड बैच की प्राइस आज नवरात्रि की वजह से डिस्काउंट चल रहा है 835, खरीद लेना, वरना फिर कोर्स तो आप खरीदोगे आज नहीं तो कल, फिर महंगा खरीदोगे क्या फायदा, इसलिए खरीद लो। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल का जवाब दो भैया, पांचवें सवाल का जवाब दो। मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध किससे हो जाएगा बताओ भैया। सर आपका नोट्स लेना है तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो SST बाय इनफॉर्म सर के नाम से, वहां पर आपको नोट्स से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, ठीक है भैया। मैंने बैच ले रखा है, बहुत बढ़िया जी। तो ध्यान रखना मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध हो जाएगा व्यापारी वर्ग से, किससे हो जाएगा व्यापारी वर्ग से, तो मुस्लिम वोहरा समुदाय का संबंध हो जाएगा व्यापारी वर्ग से हो जाएगा, किससे हो जाएगा भैया व्यापारी वर्ग से हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए मनीष कुमार जी, SST का इंडिविजुअल कोई बैच नहीं है, उसी में मैं पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल में भी वही चीज पढ़ाऊंगा, कंबाइंड बैच में वही पढ़ाऊंगा, तो उसको खरीद लो ₹835 में, ठीक है। चलो ठीक है भैया, तो फिर आप भैया देखो अब इसमें कितने क्वेश्चन बचे, अब मेरे ख्याल से 4-6 क्वेश्चन और ये बचे, बस फिर आ जाएगी हमारी कक्षा 6 की हिस्ट्री की NCERT। तो कक्षा 6 की हिस्ट्री की NCERT यानी अब तक की क्लास में हमने आपको कक्षा 7 की पूरी हिस्ट्री की NCERT फिनिश कर दी मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में पूरे 3 घंटे में कक्षा 6 की हिस्ट्री की NCERT में रोजाना शाम को 4 बजे आपको पढ़ा रहा हूँ। कब भैया? रोजाना शाम 4 बजे पढ़ा रहा हूँ भैया, और जो रोजाना शाम 4 बजे में जो आपको कक्षा 6 की हिस्ट्री की NCERT पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, उसमें मैंने कई चैप्टर आपके फिनिश कर दिए। तो कक्षा 7 की तैयारी, तो कक्षा 7 की तो मैंने आपको इस मैराथन में कंप्लीट करा दी, कक्षा 6 की हिस्ट्री की NCERT अगर आपको पढ़नी है तो आप रोजाना शाम को 4 बजे आकर के लाइव पढ़ सकते हो। बात क्लियर है? रोजाना शाम को 4 बजे आकर के आप लाइव पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया। आज की क्लास काफी बढ़िया रही भैया, आप लोगों ने इतना बढ़िया जो है सपोर्ट किया उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये एक थी सीटेट December 2023 संपूर्ण SST NCERT का निचोड़, एक क्लास सीटेट पास, इसमें हमने कक्षा 7 की NCERT को उठाया था, और कक्षा 7 की NCERT में जो पुरानी NCERT है, जो COVID-19 से पहले की NCERT है, ओल्ड NCERT है, उस ओल्ड NCERT में ये 10 चैप्टर दे रखे थे, और जो नई NCERT कोविड के बाद की आई है उन्होंने थोड़े चैप्टर कम कर दिए, उसमें 8 चैप्टर हैं। तो ये सारे चैप्टर हमने पूरा आपके आज की क्लास में फिनिश कर दिए भैया, क्लास अच्छी लगेगी एक बार अपने दोस्तों को बोल देना कि इस क्लास को देख लें। उसके बाद कक्षा 6 की हिस्ट्री, और कक्षा 6 की हिस्ट्री में याद रखना
ये कक्षा 6 की हिस्ट्री को रोजाना 4 बजे लाइव पढ़ा रहा हूँ। कभी रोजाना शाम 4 बजे इस क्लास को लाइव पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने यहां तक करा दिया, 8 चैप्टर तक करा दिए। कल मंडे को क्लास, कल जो मंडे को क्लास होगी 4 बजे, उसमें मैं कराऊंगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, और ये वाला 9वां चैप्टर कराऊंगा गांव शहर और व्यापार। तो कल शाम को 4 बजे आप मेरे साथ में जरूर जुड़ना। तब तक के लिए आज के सेशन को ज्वाइन करने के तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। कल मुलाकात करेंगे, कल सभी लोग लाइव जरूर।